हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा गुरुदेव 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 जय गुरुदेव नितर हरिदेव हरिदेव हरि बोल गौर हरि बोल ओम अज्ञान विमलांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदावयं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्री गुरु श्री युत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिविरांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे
मूकं करोति वाचालं पंगुं नंगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछली दफा जो सेशन ले रहे थे उसका नाम था चैंटिंग मिस्ट्रीज। तो थोड़ा मैं बता दूंगा आपको। तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन आज? जी प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो चैंटिंग मिस्ट्री, ओके। तो कई चैंटिंग जो है तो लगता बहुत आसान है कि हम आराम से चैंटिंग कर लेंगे, लेकिन जो हमारा मन है वो हमें चैंटिंग करने नहीं देता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं होता है ना, तो वो तरह तरह के बहाने मारते हैं कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द है, ये मेरे सिर में दर्द है, आज मेरी मेरे जो है बहुत आलस आ रहा है, तो इस तरीके से बच्चे बहाने मारते हैं। तो लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं उसको जबरदस्ती भेजते हैं स्कूल, फिर कुछ समय के बाद उसको थोड़ा आनंद आना शुरू होता है। उसी प्रकार जो है जो हमारा मन होता है इसको हमें थोड़ा लाइन पे लाने के लिए थोड़ा इसके साथ हमें जबरदस्ती करनी पड़ती है। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि मनुष्य शरीर हमें मिला है, मनुष्य शरीर में हम अपने मन से लड़ सकते हैं, मन को ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर मान लीजिए जानवरों को ये बातें बताई जाए तो फिर वो कहेंगे कि उनको तो बात समझ में भी नहीं आएगी है ना, लेकिन मनुष्य शरीर हमें मिला है ताकि हम अपने मन को भगवान पे लगा सके। और ये बात बाकी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं चंचला ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रदम तस्य अहम निग्रह मन्य वायुर इवा सुदुष्करम। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि कृष्ण मैं एक बारी को वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। तो ये हम अपने जीवन में भी फील करते हैं, हम बहुत अगर बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं लेकिन जब मन को कंट्रोल करने के लिए हम कर नहीं पाते, मन हमें ऐसा नचा देता है और हमें पता भी नहीं लगता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये पॉसिबल है कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके, मित्र बना सके, है ना। तो हमने सबसे इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए थे हमें जो है हरि नाम का अमृत देने के लिए, और वो अमृत हमें लेना है, सिर्फ लेना है। मतलब जैसे होता है ना कि भाई आप मम्मी छोटे बच्चे के लिए नान तैयार करती है, ये बेटे आपके लिए नान तैयार है, प्लेट में रखे हुए हैं, साथ में पनीर की सब्जी है, बस आपको लेना है उसको। अब बच्चे को इतना इतना अपने आप पर कंट्रोल करना है कि भाई मैं किसी ना किसी तरह टेबल पे बैठ जाऊं, टेबल पे मतलब टेबल के सामने बैठ जाऊं और अपने हाथों से उस नान को ग्रहण कर लूं, तो फिर आनंद ही आनंद है। उसी तरीके से हमें थोड़ा अपने ऊपर इन बातों को समझने के लिए अपने आप को प्रेरित करना होगा जो बातें अभी हम करेंगे, ताकि ये बातें हमारे दिमाग में घुस जाएं और हम जो है ठीक से चैंटिंग कर पाए। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था अलग अलग प्रकार की जो है चैंटिंग्स होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब एक तरह से ना देखा जाए तो इसको
आप कुछ भी चीज समझ रहे हैं, कुछ भी चीज कर रहे हैं ना, तो आपको ये हर चीज का जो निचोड़ है वो यही है चैंटिंग। हर चीज इसलिए है ताकि आप चैंटिंग अच्छी तरीके से कर सके। तो सबसे पहले हमने बात करी थी रडार चैंटिंग की। रडार चैंटिंग क्या होती है, पता है किसी को रडार चैंटिंग क्या होती है? कोई जल्दी से बताना चाहे रडार चैंटिंग। यस प्रभु, सबकी देख रेख में चैंटिंग करना। सबकी देख रेख में चैंटिंग करना ये रडार चैंटिंग है। यस प्रभु जी। अच्छा और कोई, और कोई रडार चैंटिंग क्या होती है? रडार चैंटिंग क्या होती है किसी को पता है? रडार चैंटिंग मतलब होती है कि सबको देखते हुए सब कुछ सबसे नजर है हमारी, सब सब चीजें क्या घटनाएं घटित हो रही है हमारे आसपास, और साथ साथ हमारी चैंटिंग भी चल रही है। बंटी बंटी के बेटे ने किसको पीट दिया है ना, सब्जी वाले क्या सब्जी का कौन कौन सा भाव लगा रहा है ना प्रभु जी, मैं क्या नहीं, गलत बताया क्या प्रभु जी? जी नहीं नहीं सही बताया आपने, बस थोड़ा वो शब्दों शब्दों का मतलब थोड़ा हेर फेर था है ना, तो मैं बस उसी को एक्सप्लेन और ब्रॉडर वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हर चीज की नजर रखते हुए चैंटिंग करना है ना, ठीक है माता जी। क्या घटना घटित हो रही है आजू बाजू, क्या चल रहा है पड़ोस में, कौन घर से बाहर निकल रहा है, कौन घर के अंदर घुस रहा है ना, कोई कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, कई कोई कोई बहुत ज्यादा ही दिखाई दे रहा है, ये सब चीजें मतलब ना, ये सब चीजें रडार चैंटिंग। रडार क्या होता है ना, कैच करता है, जब भी कोई एरोप्लेन लड़ाकू विमान आता है ना दुश्मन दुश्मन देश का, तो तुरंत कैच कर लेता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई एक मिसाइल आ रही है, एक रॉकेट आ रहा है, इस तरीके से ना। तो उसी तरीके से हमारा जो दिमाग का रडार है ना वो हमेशा घूमता रहता है, एकदम फुल स्पीड में घूमता रहता है बिना, और उसको आप अगर कुछ भी नहीं देंगे ना, अगर आप उसको कुछ खाना खुराक भी नहीं देंगे तो भी घूमता रहेगा है ना, इतना पावरफुल रडार है हमारे दिमाग। तो जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं सारी दुनिया भर की चीजें हमारे दिमाग में आती रहती है, आजू बाजू क्या चल रहा है वो भी हमारे दिमाग में आता रहता है, जिसे कहते हैं रडार चैंटिंग। और उसके बाद दूसरा बताया था सबमरीन चैंटिंग। सबमरीन चैंटिंग पता है किसी को, कोई बताना चाहेगा? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, मैं बोलू कौन बताइए ना, एक नाम, मैं अरुणा मित्तल बोल रही हूँ। हाँ जी यस मित्तल जी बोलिए। ये सबमरीन चैंटिंग जो है सीटी सी आवाज आती है और मंत्र की आवाज साफ नहीं आती। अच्छा और प्रभु जी चैंटिंग डूब कर करना, मतलब ध्यान से करना, बड़े मग्न होके करना प्रभु जी, तो गलत हो गया। ये एक बार मैं फिर से बताऊंगी, सबमरीन चैंटिंग में नींद आ जाती है और बीच बीच में माला छूट जाती है। अच्छा ठीक है, हरी बोल, सही बिल्कुल सही बताया अब आपने है ना। ये अब बाकी हैंड रेस कर, जैसे इंदुमती ने हैंड रेस करा तो नेक्स्ट चांस उनको देंगे। तो ये स्लीपी चैंटिंग होती है, जैसे सबमरीन पानी के अंदर चली जाती है ना, दिखाई नहीं देती, तो उसी वक्त चैंटिंग करते करते हम दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हम शयन अवस्था में पहुंच जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं, नींद बहुत आ रही होती है ना, नींद बड़ी चीज है, कंबल डाल के सो गए है ना, तो हम सो जाते हैं सबमरीन चैंटिंग के अंदर है ना, मतलब चैंटिंग करते 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 सिर हिलने लगता है, पूरा डांसिंग मोड में चले जाते हैं है ना, सिर बहुत तेज से घूमने शुरू हो जाता है ना, पोजीशन पूरी बिगड़ जाती है और फिर हम सो जाते हैं। प्रभु जी या जैसे डूब कर चैंटिंग करना या मतलब बहुत ध्यान से ध्यान मग्न हो करके करना, ये होता है? नहीं ध्यान तो अलग है, ध्यान नहीं, ध्यान में तो आपने सोएगा नहीं ना, ये तो इसमें इसमें सो जाता है वैसे, ध्यान कहीं मतलब ध्यान ध्यान कुछ कहीं और ही है, सो जाएगा वो। ये डूब कर लिखना है जो चैंटिंग, इसका डूब का मतलब स्लीपी, स्लीपी डूब के चैंटिंग का मतलब है सपनों में डूब के चैंटिंग करना, ठीक है ना। सपनों में डूब के, सपनों की दुनिया होती है, सपनों का एक अलग समुद्र है, सपनों का एक अलग संसार है, जैसे हमारा बाहर संसार है उसमें भी हम डूबना चाहते हैं, या इस संसार में भी डूब के मरना चाहते हैं और उस संसार में भी डूब के मरना चाहते हैं, मतलब हमारी मतलब कहने का मतलब मृत्यु सर्वहरस चाहम, मतलब मृत्यु ध्रुव है ना। और उसके बारे स्नेक चैंटिंग, स्नेक चैंटिंग इंदु पांडे माता जी बताइए, आपके हैंड रेज है, जल्दी जल्दी करना,
स्नेक चैंटिंग जल्दी जल्दी और बहुत जल्दी जल्दी क्या मतलब और कोई बताएगा स्नेक चैंटिंग मतलब जी प्रभु जी प्रभु जी जैसे हम मतलब मंत्र बोल रहे हैं तो उसमें से कुछ वर्ड छूट जाए दो चीजें और पूछता हूँ आपसे है ना एक है जंपिंग चैंटिंग और एक मशीन गन चैंटिंग ये तीन चैंटिंग है इसको आप अच्छी तरह सोच करके रखिए मैं आपको एक मिनट का समय देता हूँ और एक मिनट के बाद जो है ना मैं फिर से ऑन करता हूँ ये आई थिंक कोई आया है तो आप एक बार इसको सोच के रखिए और फिर बोलिएगा हैंड रेज करके ना हरे कृष्णा हाँ तो वो स्नेक चैंटिंग का पता लगा किसी को हरे कृष्णा प्रभु जी बोलो उनसे पूछेंगे आपके हरिंदा मित्र माता जी के हैंड रेज रेश माता जी स्नेक चैंटिंग आप बताइए हरे कृष्णा प्रभु जी जंपिंग चैंटिंग बहुत ही स्नेक चैंटिंग जी प्रभु जी स्नेक चैंटिंग स्नेक बताइए स्नेक चैंटिंग में सीटी की आवाज आती है और मंत्र की आवाज साफ नहीं आती जी प्रभु जी इसमें ना वर्डिंग वर्ड को छोड़ के जो चैंटिंग करते हैं जैसे कुछ वर्ड इसमें मिस हो जाए ठीक है तो जी वो मैंने गलत बता दिया था मैंने ये स्नेक वाले में बोल दिया था बट ये स्नेक वाले में नहीं है ये इसमें है जंपिंग वाले में प्रभु जी वर्ड को छोड़ के करना प्रभु जी और जल्दी जल्दी करना जैसे उसमें मतलब जल्दी जल्दी करने में पता नहीं चलता ना कौन सा वर्ड छूट गया है हाँ ठीक है और कौन सी है लास्ट में मशीन गन चैंटिंग बताएंगे वंदना पांडे माता जी बताइए हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी इसमें सही तो किया जाता है पर बहुत जल्दी जल्दी किया जाता है जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जी इतनी तेज किया जाता है कि खुद नहीं समझ पाते कि कहाँ कितनी स्पीड से जा रहे हैं है ना तो ये सब चैंटिंग हमने बताई थी बिल्कुल सही कहा आपने ठीक है अब आगे चलते हैं ठीक है ओके ओके तो आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा मैं शेयर कर देता हूँ अगर हो पा रहा है तो है ना ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है तो ठीक है तो अब एक चीज महत्वपूर्ण बताई थी कि जो चैंटिंग है वो हमारी आत्मा को मजबूत करती है और जो सिद्धांत है फिलॉसफी है वो हमारी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करती है ये आप लिख सकते हैं और जो हमारी भावना है इंटेंशन है वो हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करती है ये तीन चीजें है ना और जब अगर हम चैंटिंग करते हैं तो हमें चैंटिंग ऐसे करना चाहिए जैसे कि एक बच्चा जो होता है अपनी माँ की गोद में होता है ना उस तरीके से हमें चैंटिंग करनी चाहिए मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि जब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तो मैं चैंटिंग को नहीं धारण कर रहा बल्कि भगवान मुझको धारण कर रहे हैं मतलब भगवान जो है मुझे अपनी गोद में रख रहे हैं मतलब मैं कोई हेल्पलेस हूँ मैं चैंटिंग भी नहीं कर सकता हूँ बिना भगवान की कृपा के ऐसे हमें सोच के चैंटिंग करनी चाहिए जैसे मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तो हमें ये सोच के चैंटिंग करनी चाहिए कि मैं अपने बलबूते पे चैंटिंग भी नहीं कर सकता अगर भगवान की हे भगवान मुझ पर कृपा करो ताकि मैं चैंटिंग कर पाऊँ हे गुरुदेव हे तुलसी महारानी हे नित्यानंद प्रभु जी हे बलराम जी मुझ पर कृपा करो मैं चैंटिंग कर पाऊँ ऐसे सोच के हमें चैंटिंग करनी चाहिए हम ये सोचते हैं कि मैं चैंटिंग करके दिखाऊंगा तो ये बहुत गलत तरीका है चैंटिंग करने का है ना तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो जैसे एक बच्चा होता है ना छोटा बच्चा उसको माँ अपनी गोदी में संभालती है उसे गिरने नहीं देती तो उसी प्रकार जब नाम प्रभु है ना अगर हम ढंग से जपा करेंगे ऐसा सोच के जपा करेंगे हम हर किसी से कृपा मांगेंगे हे गुरुदेव मेरे पे कृपा करो कि मैं ठीक प्रकार से जपा कर पाऊँ हे प्रभुपाद जी कृपा करिए हे नित्यानंद प्रभु जी कृपा करिए हे हरिदास ठाकुर जी मुझे कि मैं चैंटिंग कर पाऊँ तो हम चैंटिंग जब करेंगे तब हमारा भावना जो होगी बिल्कुल सही होगी मूड एकदम हमारा सही होगा तब जैसे जो नाम प्रभु है हमें अपनी गोदी में उठाएंगे और हमें संभालेंगे तो माया जो है हम पे हावी हो जाती है और हम जो है जितनी भी थोड़ी बहुत हमारे अंदर उत्साह होता है ना
वो हमारा उत्साह जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है अगर हम चैंटिंग छोड़ते हैं। अगर बच्चा स्कूल जाना बंद कर देगा तो क्या होगा, वीडियो गेम खेलेगा घर पे, है ना, अपने भाई से लड़ेगा, है ना, मम्मी को परेशान करेगा, है ना, और क्या करेगा, छोटे बच्चे और क्या करते हैं घर पे अगर उनको स्कूल नहीं भेजा जाता, और भी कुछ करते हैं क्या? तो मतलब कुछ ना कुछ करता रहेगा गड़बड़, है ना। तो उसी प्रकार अगर हम अपने मन को चैंटिंग में नहीं लगाएंगे तो हमारा मन जो है ना गड़बड़ करता रहेगा। मन का काम क्या होता है, मन तीन चीजें करता है, ध्यान से सुनिएगा। मन करता है संकल्प, विकल्प, ये तो मेन प्रमुख कार्य है मन के। मन संकल्प करता है, विकल्प करता है। इसके अलावा मन क्या करता है, थिंकिंग सोचता है, विलिंग इच्छा करता है, थिंकिंग विलिंग मतलब थिंकिंग मतलब क्या होता है, मन 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, थिंकिंग करता है। विलिंग मतलब कोई इच्छा करता है, और फीलिंग तीसरी चीज है, फीलिंग फील करता है, कोई हमसे कुछ कह देता है हमें बुरा लग जाता है, कोई अच्छी बात करता है तो हमें अच्छा लग जाता है। ये सब फीलिंग कहाँ है, ये चीजें कहाँ पे चलती है, मन के अंदर काम करती है, है ना। ठीक है, ये हो गया, आगे चलते हैं। जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, ये सब क्या हो जाता है, सब चीजें गायब हो जाती है, गायब हो जाता है। प्रभु जी, आपने अभी मन के दो कार्य बताए, विकल्प और एक दूसरा क्या था, संकल्प और विकल्प। मतलब छोटा बच्चा होता है ना, समुद्र के किनारे घर बनाता है और फिर उसका मन करता है तो तोड़ देता है, तो तोड़ देता है ना, पहले संकल्प करता है मैं घर बनाऊंगा, फिर उसी घर को तोड़ देता है। उसी प्रकार से हमारा मन जो है इच्छा करता है कि हमें ये चीज चाहिए, और वो चीज आ जाती है तो कहता है अरे छोड़ो ये चीज बेकार है ना। ऐसी बस कई बार हमारे उस चीज को लाते भी नहीं है, पहले जिस कपड़े की इच्छा होती है वो अच्छा लगता है, पास जाके देखते हैं अरे बेकार है छोड़ो, बस यही सब मन में चलता रहता है ना। और इसके अलावा जो है तीन चीजें जो मैंने बताई, थिंकिंग विलिंग और फीलिंग, ये भी करता रहता है ना। ठीक है, ओके। अभी मैं एक्चुअली फोटो में दिखाई दे रहा हूँ क्या, एटलीस्ट इतना तो नेटवर्क होगा, इतना है क्या या इतना भी नहीं है जी? नहीं प्रभु जी, इतना भी नहीं है, तो बड़ा गन नहीं प्रभु जी, पता नहीं क्या चक्कर है। चलिए मैं अच्छा मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, मैं बोलता रहूंगा ना, आप समझ पाएंगे ना बिना स्लाइड के? यस प्रभु जी, वॉइस तो आ रही है, अच्छे से आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। जहाँ बोल रहा हूँ आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि माइंड तो हमें हमेशा ट्रिक करेगा कि आप चैंटिंग मत करिए, है ना। आज आपने बहुत चैंटिंग कर ली, जैसे आप मान लो 16 माला आपको करनी है, तो आपका मन कहेगा चलो 10 हो गई ना, कितना थक गए हो ना तुम, है ना, कमर भी सीधी नहीं करी तुमने काफी देर से, बाकी 5-6 बची है ना वो कल कर लेना, ठीक है ना, बहुत हो गया ना, रात भी तो हो गई है ना। सुबह कहेगा कि रात शाम को कर लेना चैंटिंग, शाम को कहेगा रात को कर लेना, रात को व्यक्ति थोड़ी बहुत माला करेगा, 10 माला करेगा या 5 माला करेगा, और बाकी कहेगा कि देखो रात सोने के लिए है ना, भगवान ने शरीर भी तो दिया ना, उसको भी तो आराम चाहिए ना, भगवान ये तो नहीं कहते ना कि अपने शरीर के साथ बेवजह उस शरीर को कष्ट में डालो, है ना। तो इस तरीके से मन जो है हमें ट्रिक करता रहेगा, ना घर का छोड़ेगा ना घाट का छोड़ेगा, है ना। आपने सुना होगा नहीं कहावत है ना, क्या कहावत है ये कोई कहावत थी ना, किसी को करता है कोई कहावत प्रभु जी, इसकी वो है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। हाँ तो ये बिल्कुल बिल्कुल, तो मन हमें ऐसे ही कर देता है बिल्कुल, ना हम सुबह के रहते हैं ना काम के ना रात के, कहीं के नहीं छोड़ता मन हमें, है ना, और इस तरीके से हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसकी हमें ट्रिक को समझना पड़ेगा, और सब हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर हमें काम को अपने वश में करना है तो सबसे पहले हमें चैंटिंग ढंग से करनी होगी, तभी हम काम को जो है अपने वश में कर पाएंगे। अच्छा, चैंटिंग करने का उद्देश्य क्या है? चैंटिंग करने का उद्देश्य कई लोग सोचते हैं कि हमें बहुत आनंद आएगा, हम झूम झूम के नाचेंगे चैंटिंग करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम झूम झूम के नाचेंगे, है ना, एकदम से बिल्कुल लुटपुट हो जाएंगे नाच नाच के, हम इतना आनंद आएगा, उस दिन के इंतजार में हम चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, चैंटिंग चल रही है हमारी, एक दिन हम बाबले हो जाएंगे, है ना, राधे राधे बोलो और वृंदावन में डोलो, ऐसे डोलेंगे हम, ऐसा डोलेंगे, है ना, गले चक्का डोलता है ना, ऐसे कई बार लोग डोलना भी शुरू कर देते हैं, हमने देखा होगा कुछ लोगों को डोलते हुए देखा होगा, आपने देखा है हमने प्रभु जी? हाँ जी 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 प्रभु जी,
मतलब किसी के बारे में कुछ बुरा गलत नहीं सोचना चाहिए, हम अपनी अवस्था बता रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं हो सकता है कि वो किसी लेवल पे हो, लेकिन हमें तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है, हमें एबीसीडी सीख के आगे बढ़ना है। कुछ लोग जो होते हैं पहले से उन्होंने सीख रखी होती है एबीसीडी, लेकिन हमें पता है कि हमें एबीसीडी नहीं आती, हम तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और फिर सी फॉर कैट, और फिर ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, इतनी जल्दी हमें जोश नहीं दिखाएंगे, हमें ऐसा सोचना है। तो हमें हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए चैंटिंग का, कि हमें भगवान की, भगवान के बारे में रिमेम्बरेंस हो, भगवान की स्मृति बने हमारे मन में, मतलब ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चैंटिंग का मतलब ये होना चाहिए कि हर वक्त हमें भगवान याद आए, है ना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा एम है कि भगवान याद रहे, और यही हमारा उद्देश्य है ना। अब पूछिए कैसे, अब देखिए देखिए आप एक चीज मैं पूछूंगा, आप कोई एक समय ऐसा आएगा जब आप ये शरीर छोड़ेंगे, ये मानते हैं इस बात को, या कोई ऐसा है जो शरीर नहीं छोड़ने वाला, आप में से कोई है जो शरीर नहीं छोड़ने वाला? रवि जी जो आया है वो जाएगा जरूर, पक्का अभी थोड़े जी प्रभु जी छोड़ेंगे ना, सब छोड़ेंगे ना शरीर, बिल्कुल प्रभु जी। अब उस सिचुएशन को याद करिए कि आप एक समय ऐसा आएगा, आप सोच अज्यूम करिए अपने मन में, सोचिए कि वो दिन कैसा होगा जब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, क्या मेरे को उस वक्त बहुत दर्द हो रहा होगा, उस वक्त क्या मेरे आसपास कौन होगा, क्या मेरी ऐसी सिचुएशन होगी कि मैं चल के बाथरूम तक भी जा पाऊँ, क्या मेरी ऐसी सिचुएशन होगी कि मेरे मुंह से भगवान का नाम निकल पाए, तो उस वक्त ऐसा तो नहीं कि उस शरीर छोड़ने से पहले मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हो कि भाई मैं उस वक्त होश में भी ना हूं। तो मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए ना, है ना, क्योंकि सबको एक दिन जाना है, कैसे जाना है ये नहीं पता, तो एटलीस्ट जैसे मान लो आपको दिल्ली जाना है तो आपको पहले सोचना पड़ेगा ना कि भाई मैं 10 दिन बाद दिल्ली जाऊंगा तो मेरे को क्या क्या लेके जाना है, और आप दिल्ली से बहुत दूर है मान लो, है ना, आप बहुत दूर रहते हैं दिल्ली से, तो आपको दिल्ली जाना है या गाजियाबाद आना है आपको, तो पहले सोचना पड़ेगा ना मेरे को क्या कितने दिन बाद गाजियाबाद जाना है, लक्ष्मी इकट्ठी करनी है, कपड़े भी रखने हैं, है ना, और ये सब चीजें रखनी है, और आपको वहां पे गाजियाबाद में आके 1 करोड़ रुपया मिलेगा है ना, तो आप कितने सतर्क होंगे, है ना, कोई आएगा कहेगा बहन चलो किट्टी पार्टी में चलते हैं, है ना, तो आप कहोगे कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, गाजियाबाद तो फिर चले जाएंगे हम, अभी किट्टी पार्टी हो आते हैं, नहीं ना, तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ गाजियाबाद जाना है, वहां पे कुछ बहुत कुछ खास ही मिलने वाला है, है ना। चलो ये तो आपको पता है, और ये भी आपको पता है कि एक दिन शरीर हम छोड़ देंगे, है ना, तो हमें अंत समय में अगर यही भूल गए कि हमें गाजियाबाद जाना है ना, और हम गाजीपुर के कूड़ेदान में पहुंच गए, है ना, मान लो जाना तो हमें गाजियाबाद था लेकिन हम गलती से पहुंच गए गाजीपुर के कूड़े के ढेर के पास, हमें पता ही नहीं है कि गाजियाबाद के बारे में, और तो फिर क्या होगा हमारा, है ना, वहां पे इतने सारे चीले हैं, इतनी सारी मक्खियां हैं, इतना गटर बह रहा है वहां, गटर का पानी बह रहा है ना, कभी भी कूड़ा ऊपर से नीचे गिर सकता है और हम गटर में जा सकते हैं, ऐसा हुआ है एक बार यहाँ पे एक कार जा रही थी, ऊपर से कूड़े का ढेर गिरा गटर में, और गटर में सारा इतना बड़ा पहाड़ आके गिरा, और गटर का पानी उछल के कार के ऊपर गिरा, और कार उछल के बगल वाले गटर में जाके गिरी ऐसा हुआ था, तो सोचिए कितनी फोर्स रही होगी उस पानी, ये घटित हुआ है यहाँ पर गाजियाबाद में, घटित हुआ था, कुछ भी घटित हो सकता है ना। तो मान लीजिए लास्ट मोमेंट में हम इधर इधर उधर के चक्कर में हम ये भूल गए कि हमें जाना कहाँ है, और हम पहुंच गए गाजीपुर, तो ये क्या सही होगा बताइए? नो प्रभु जी, नहीं ना। तो उसी प्रकार हमें लास्ट अंत समय में ये पता होना चाहिए कि हमें जाना क्या कहाँ पर है। लास्ट मोमेंट में इतना दर्द हो रहा होगा, हमें पता नहीं दर्द हो रहा होगा या भगवान की कृपा से, हो सकता है ना भी हो, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें जाना कहाँ है। मान लीजिए कोई लेने आया, कोई कार आएगी, तो हम कहेंगे कहाँ जाना है जल्दी चलिए, तो वो कार एक्चुअली मान लीजिए कार नरक लोक की हुई मान लीजिए, है ना, वो कहेंगे चलिए चलिए बैठी 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 बैठी, तो हम उनसे पूछ तो सकते हैं ना भाई कहाँ लेके जा रहे हो, है ना, तो अब हमें इतना दर्द हो रहा है ना, कार आ गई, हमने कहा चलो बैठा बैठे, वो कहेंगे बैठो बैठो, तो हम कहेंगे ठीक है बिठाइए बिठाइए बिठाइए, और फिर पता चला लास्ट मोमेंट पे हमें पता लगा रही है तो गलत जगह आ गए हम, अब कुछ हो नहीं सकता। तो इसी तरीके से भगवान की हमें स्मृति बनी रहनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, और ये स्मृति बनना कोई इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है, और वो पुण्य करने का हमें मौका मिला है चैंटिंग करके। चैंटिंग करिए चैंटिंग करिए चैंटिंग करिए, ये ऐसा कर्म है या कर्म है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिसका रिजल्ट अलग ही है, दिव्य रिजल्ट है,
और इससे इससे आप चैंटिंग करते रहेंगे तो आपको अंत समय में नारायण की स्मृति होगी, अंत नारायण गति, है ना, अंत में आप नारायण के पास जाएंगे, है ना। तो हाँ, अभी कुछ माइक वाइक दिखाए अभी, मेरे को लगता है शायद मैं अभी कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने मैं जुड़ा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें बहुत खुशी हो रही है तो हमें हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, हमारी चैंटिंग करने का उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि ना खुशी तो हमें इस बात की भी हो सकती है कि चैंटिंग खत्म हो गई है, 16 माला हो गई है, चलो थैंक गॉड 16 माला हो गई हमारी, अब कहाँ है वो रजाई, कहाँ है वो गजक, कहाँ है वो रेवड़ी, कहाँ है वो मुनक्का, है ना, उसको पेट भर के मैं खाऊंगा और खाऊंगी या फिर, है ना, और फिर थोड़ी देर सोएंगे, है ना। तो हमारा हमारा इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे हमारी खुशी का जो उद्देश्य ये था कि सोना, है ना, तो पूरा पूरा सीन बदल गया ना, जबकि खुशी में तो आदमी सोता भी नहीं है ना, है ना, बहुत खुशी में आदमी सोता नहीं है ना, ये फैक्ट है। अगर आपको मान लीजिए आप कभी आपको ऐसी खुशी हुई हो कि भाई मतलब जैसे कोई गाड़ी लेनी हो आपको बहुत खुशी हुई तो आप सोएंगे नहीं, आप सोचेंगे चक्कर लगाता रहूं गाड़ी में, है ना, और वो कोई कहेगा सो जाओ नहीं नहीं अभी तो चक्कर लगाना है, और फिर मान लीजिए गलती से सो भी गए तो सुबह उठ के फिर चक्कर लगाने की एक भावना बनी रहेगी। तो उसी प्रकार से खुशी होना ये तो होगी आपको, ये कोई इसका रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट ये है कि आपको नारायण की स्मृति बनी रहे, तुरंत एक नाम बोला कृष्ण का और कृष्ण मतलब एकदम बिना आपको फोर्स नहीं करना, वो जोर नहीं लगाना, और कृष्ण भगवान जो है एकदम इतना आसान नहीं है, मतलब कृष्ण की सारी लीलाएं आपके सामने प्रकट हो गई अपने आप, ऐसा नहीं जैसे टीवी ऑन करते हैं ना, रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑन करते हैं तो टीवी ऑन हो जाता है, इसमें हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है टीवी ऑन करने के लिए, मतलब एक क्लिक करा और टीवी ऑन है, ऐसा तो नहीं है कि हमें दिखाई देना बंद हो गया, टीवी ऑन है हमें दिखाई देना बंद हो गया, हम बहुत जोर लगा रहे हैं कि दिखाई दे जाए क्या चल रहा है क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, हम एक आंख से भी देखेंगे तो भी हमें टीवी दिखाई देगा, हम थोड़ा सा आंखें दोनों आंखें बंद कर लेंगे तब भी हमें ऐसे हल्के से खोलेंगे तो भी हमें थोड़ा टीवी दिखाई देगा, टीवी पे जो चल रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते, रिमोट से हमने ऑन कर दिया तो वो कान में आवाज जा रही है और वो सामने सीन चल रहा है, हम चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते, आंखें बंद करेंगे तो टीवी की रोशनी हमारी आंखों में टकरा रही है तो हम उसको रोक नहीं सकते, समझे आप। तो ये चीज जो है ना भगवान गिफ्ट करेंगे, वो गिफ्ट तब करेंगे जब आप ध्यान पूर्वक जपा करेंगे, और भगवान थोड़ा सा गिफ्ट देते हैं, थोड़ी सी हमें खुशी देते हैं, वो खुशी इसलिए देते हैं ताकि हम और चैंटिंग कर सकें, है ना, ठीक है। उसके बाद दो चीजें बताई थी मैंने, एक तो होती है स्पॉन्टेनियस चैंटिंग और दूसरी कौन सी होती है, किसी को बताए जी प्रभु, आर्टिफिशियल रिमेम्बरेंस। हाँ, एक तो स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस होती है और एक होती है आर्टिफिशियल रिमेम्बरेंस, ये दो तरह की रिमेम्बरेंस होती है। स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस क्या होती है किसी को पता है, कोई बताएगा, कोई बताएगा स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस क्या होती है, नोट करा होगा आपने, नाम प्रभु जी आपने क्या पूछा, स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस क्या होती है, हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें इस स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस में अट्रैक्शन माया से हटना शुरू हो जाएगा और भौतिक समाज से दूर होगा, संसार का टेस्ट खत्म होता जाएगा, आत्मा से भगवान की आवाजें आने लगती हैं और भौतिकता को ध्वस्त कर देती हैं। अच्छा, तो और कोई कुछ बताना चाहेगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, अब मैं भी नहीं दिखाई दे रहा ना, और ना ही स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, स्क्रीन तो दिख रही है प्रभु जी, क्या दिख रहा है उसमें, तो कुछ भी नहीं दिख रहा ऐसी, उसमें चैंटिंग चैंटिंग मिस्टरीज और नीचे हरे कृष्णा लिखा हुआ है, बस वही है ना, मैं तो आगे पढ़ाई थी वो दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, ये कुछ प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है, ठीक है ओके, ठीक है ओके। तो देखिए, आप पिछली बार हमने बात करी थी स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस की और आर्टिफिशियल रिमेम्बरेंस की। स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस ये होती है कि जब हमें ना अपने दिमाग में कोई इमेज हमें फोर्सफुली नहीं बनाएंगे, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, अपने रिमेम्बरेंस होती है
हम रिमेम्बर हम चैंटिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ मतलब भगवान को देख भी रहे हैं, जबरदस्ती मतलब याद करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि आप जब चैंटिंग करते हो तो सिर्फ आप पहले ध्यानपूर्वक मंत्र को सुनो, याद बात जो है ना ये सब बाद में आ ही जाएगी आपको, हम ध्यानपूर्वक जपा सुनो अपना जो आप बोल रहे हो। अच्छा, हमें ये कैसे पता लगेगा हम स्पॉन्टेनियस जो है हमारी रिमेम्बरेंस जो है, एक मिनट मैं इसका ना वीडियो भी बंद कर देता हूँ ताकि ना ये ऐसे शेयर कर पाऊँ, आई थिंक तब शायद सही होगा, है ना। तो स्पॉन्टेनियस या फिर आर्टिफिशियल रिमेम्बरेंस, मतलब हमें कैसे पता लगे हम स्पॉन्टेनियस चैंटिंग कर रहे हैं या मतलब स्पॉन्टेनियस हम याद कर रहे हैं या आर्टिफिशियल याद कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा, कोई बताना चाहेगा हमें कैसे पता लगेगा हम आर्टिफिशियल नहीं कर रहे भगवान को याद, और ये कैसे पता लगेगा हम इसको। प्रभु जी आर्टिफिशियल में दिखावा होता है, दिखावा होता है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दिखावा होता है मतलब आप कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, मतलब आप अपने बारे में बताइए। प्रभु जी वो इसमें मन नहीं लगेगा हमारा, मतलब मन भी लगेगा तो थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद मन करेगा कि हट जाए, हट के कुछ अपना मतलब कुछ और कर लें, टीवी देख लें या फिर सो जाए या घूमने चले जाए, इस टाइप का। यस, ये आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जो होता है, आर्टिफिशियल में क्या होता है ना, अगर आप मतलब चैंटिंग कर रहे हैं तो चलो थोड़ा बहुत आपका मन लगेगा तो लगेगा, लेकिन जैसे ही आप माला छोड़ेंगे ना तो फिर आप वही चीजें करेंगे जो आपने छोड़ रखी है, है ना, ये होती है आर्टिफिशियल। और अगर आपका जो मन है आपको बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपको लगाना पड़ेगा, है ना, और जैसे इतना फोर्सफुली आप लगाएंगे तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका जो मन है ना वो हट जाएगा, और फोर्सफुली लगेगा भी नहीं, इतना आसान नहीं होता, है ना। और लेकिन जब हम स्पॉन्टेनियस चैंटिंग करेंगे तो हम जो हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं जो है हमारे सामने प्रकट होंगी, और हम चाहकर भी उनको रोक नहीं पाएंगे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल से समझाया था। तो ये होती है स्पॉन्टेनियस चैंटिंग और आर्टिफिशियल रिमेम्बरेंस। स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस में हम भूलना तो चाहेंगे लेकिन भुला नहीं पाएंगे, तुझे भूलना तो चाह मगर भुला ना पाए। और जो है आर्टिफिशियल चैंटिंग में क्या होता है कि भाई हम जो है बहुत जोर लगा के उसको याद करेंगे और थोड़ी देर बाद फिर वो भी भूल जाएंगे, है ना। तो ये है, तो इसलिए हमें सिर्फ ध्यान से जपा करना चाहिए, याद जो भी आनी होगी वो भगवान हमें गिफ्ट में देंगे, ठीक है ना। प्रभु जी आर्टिफिशियल का मतलब ये यही तो है कि मतलब जैसे हम कोई चैंटिंग किसी के दिखावे में बैठ तो गए हैं, हम लेकर के माला चैंटिंग कर रहे हैं पर हमारा मन नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, आर्टिफिशियल रिमेम्बरेंस मतलब मन देखिए आर्टिफिशियल रिमेम्बरेंस आपको कैसे पता लगेगा, हाँ ये एक तरीका है जो आप कह रहे हैं, मतलब मन नहीं लग रहा है तो मतलब आप मन को लगा रहे हैं उसे जबरदस्ती ना, मन से भी अलग बात कर रहा हूं। हम याद कर रहे हैं भगवान को लेकिन ना हम जबरदस्ती याद कर रहे हैं, मतलब हम अपने सामने फोटो रख रहे हैं और या फिर हम जो है ना उसको मतलब भगवान को जबरदस्ती याद कर रहे हैं, हमने जो बुक्स पढ़ी है उसमें हम चैंटिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ हम सोच रहे हैं कि भगवान ने ये लीला करी थी, भगवान ने वो लीला करी थी, तो मतलब भगवान को हम जबरदस्ती याद कर रहे हैं, है ना। और दूसरा ये है कि जब हम आर्टिफिशियल रिमेम्बरेंस करेंगे तो हम जो है ना हमारी भोग वृत्ति जो है ना वो अभी खत्म नहीं हुई है, मतलब हम ये मतलब हम चैंटिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ हम सोच रहे हैं कि भाई इसके बाद हमें क्या खाने को मिलेगा, या फिर उसके बाद हम जाके मतलब चैंटिंग के बाद सो जाते हैं, या फिर हम चाय भी पी रहे हैं और चैंटिंग भी हमारी चल रही है और हमारा टीवी भी चल रहा है, चैंटिंग भी चल रही है, तो इसका मतलब अभी हम जो भगवान को याद कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल याद कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि भगवान चैंटिंग करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत बहुत याद करता हूँ भगवान को, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि वो अभी वो उस स्टेज पर नहीं है, वो इस तरीके से ही समझेंगे कि उनकी अभी भोग वृत्ति खत्म नहीं हुई, ठीक है ना, और किसी और की नहीं, हमें अपनी बात करनी है, ठीक है ना। अगर हम अपने आपके अपने आप से गलत फहमी पाल के बैठे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि अभी हम चैंटिंग छोड़ने के बाद वो सब कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए। आया समझ? यस।
प्रभु जी। ये तो हो गया आर्टिफिशियल रिमेम्बर, आर्टिफिशियल रिमेम्बरेंस, और स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं और सब कुछ हमारे सामने खुद प्रकट हो रहा है। मतलब ये इतना आसान नहीं है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप मतलब जैसे मतलब आप बैठे हुए हैं और आपकी मम्मी ने आके मतलब आपको बहुत सारी प्लेट में बहुत सारे व्यंजन लाके दे दिए, है ना, आप खुद वहां नहीं गए, किसी ने लाके दे दिए। तो उसी प्रकार जब हमें स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस होंगी ना, तो भगवान खुद हमें गिफ्ट देंगे, जैसे बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है ना, वैसे बिल्कुल वैसे, ठीक है। यस प्रभु जी, तो ये दो ही मतलब है, और उसे हम रोक नहीं पाएंगे। अगर वो स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस होगी ना, उसे हम रोक नहीं पाएंगे, वो बियॉन्ड कंट्रोल होगी। हम सोचेंगे ये भूल जाए, लेकिन हम भूल ही नहीं पाएंगे, और सारे दुनिया से हमारा संपर्क टूट जाएगा एकदम। मतलब हमें लगने लगेगा ये संसार क्या है, है ना। नैनम गल दशरुधारया नैनम गदगद रुद्यागिरा पुलकी नित्यं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। मतलब ये ऐसा भाव आएगा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा अंदर से विरह महसूस होगा भगवान के प्रति। अभी तो विरह महसूस होता है हमें अपनों के प्रति, जो हम हमारे आसपास हैं, हमारे रिलेटिव हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, जो हमारी जिंदगी में जुड़ते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, उनके प्रति विरह उत्पन्न होता है हमारे मन में ना। लेकिन जब जब भगवान के प्रति, जब भगवान की प्रेम भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करेगी ना, तो सब ऐसे लगेगा कि भाई ये तो जो कोई कौन आया कौन गया, ये तो संसार चक्र है, इसमें तो लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन अब मेरे को वो मिल गया है जिसको जिसकी मेरे को करोड़ों जन्मों से तलाश थी। मतलब अब मेरे पास कृष्ण नाम का हीरा है, और उसको हम रोक नहीं पाएंगे। जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है ना, तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। समुद्र अपने दायरे को तोड़ के आगे निकल जाता है, तो उसको उसके तूफान को कोई रोक नहीं पाता है। उसी तरीके से जब भगवान हमें गिफ्ट करेंगे ना, तो उस शक्ति को हम रोक नहीं पाएंगे। वो स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस वो बहुत लेट आती है, ठीक है। अब आगे जी, इतना हो गया। ये स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस एक लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे एक लड़का जो होता है, एक लड़की के पास जाके बैठता है और वो उसको जानता नहीं है, तो स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः ही मतलब उसका झुकाव उसकी तरफ होता है ना, उसके शरीर में परिवर्तन होते हैं, जबकि वो उसको देख भी नहीं रहा है, सब कुछ है ना नेचुरल है ना, वो मतलब प्रभुपाद मतलब उस नेचुरल डिवोशन में लिखा हुआ है ऐसा, है ना। तो उसी प्रकार जब हमारे अंदर भक्ति प्रकट होगी ना, तो फिर तो मतलब उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, मतलब वो क्या चीज है ना, मैं भी नहीं बता सकता वो चीज मेरे 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 मन से बाहर की, मेरे जितना मेरी मेरी शक्ति से बाहर की चीज है वो मैं बता नहीं सकता, मैं उसका उसके लायक नहीं हूँ, मतलब ये चीज बताने की, है ना, क्योंकि मैंने अनुभव नहीं करा वो, ठीक है। ओके, तो उसके बाद तो इसलिए हमें चैंटिंग मजबूत करनी चाहिए। एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, तो हमें ये सोच के हमें अपनी चैंटिंग को मजबूत करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बताते हैं, कीर्तन प्रभाव स्मरणम हबे से कली निर्जन भजन संभव। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि जब आप कीर्तन करोगे, यानी कि चैंटिंग ध्यान से करोगे ना, तो आपको भगवान का स्मरण होगा। अब ये बात इस सिद्धांत इस प्रस्तुत हो गया, साबित हो गया कि हमारे आचार्य भी ऐसा कहते हैं जो मैं बता रहा हूँ अब आप, हमारे आचार्य भी ये कहते हैं कि जब आप चैंटिंग करोगे ध्यान पूर्वक, तो आपको भगवान का स्मरण होगा, ठीक है ना, है ना। तो इसलिए और ये हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं, जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं ना, उससे हमारी अटैचमेंट बढ़ जाती है किसी की चीज, ये किसी की चीज पर लागू हो जाता है। आप किसी कोई भी चीज सोचिए जिसके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे, आप अपने आप अटैच हो जाएंगे। एग्जाम्पल, एक कोई कई लोग बड़ा घटिया सा कुत्ता ले आते हैं घर पे, कईयों को पसंद नहीं होता, लेकिन छोटा सा कुत्ता होता है, वो पूंछ हिलाता रहता है, पूंछ हिलाता रहता है ना, आगे पीछे घूमता है, थोड़े समय बाद हमें उससे प्यार हो जाता है। मतलब अगर आपका हार्ट जो है सॉफ्ट है, नेचुरल है ना। तो इसी तरीके से जब हम भी भगवान के एक तरह से डॉग ही हैं, हम भगवान के कुत्ते हैं, है ना, और हम भगवान को पुकारेंगे रो रो के, है ना, हम मतलब तो चैंटिंग कर करके पुकारेंगे, तो भगवान भी हमसे प्यार करेंगे। लेकिन हम प्यार के लायक नहीं है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो भगवान हमसे, हम भगवान प्यार क्यों नहीं करते, हमसे भगवान को ऐसा करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, भगवान से भगवान हमें कोई भी दुख होता है ना, भगवान को पकड़ लेते हैं, भगवान आपने हमारी जिंदगी में ये कर दिया, आपने हमारी जिंदगी में वो कर दिया, भगवान ऐसा क्यों कर दिया आपने। तो हम भगवान को कुछ भी कहने के लायक नहीं है, भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान जो चाहे वो करें। एक सिंपल सी बात है, मतलब मान लीजिए
जो मान ली हमारी जीवन में कोई आया और वो चला गया, तो वो हमारा कुछ था, वो इस जीवन में था, लेकिन वो भगवान, भगवान तो उसके साथ हमेशा ही, हमेशा से ही है ना, और भगवान का कुछ नहीं लगता। वो जो व्यक्ति जो कोई भी हमारे जीवन में आया, मान लीजिए कोई भी जो हमारे रिलेटिव होंगे, कोई भी हमारे जीवन में आ गया, वो नहीं है अब, तो वो भगवान, भगवान के थे ना, भगवान ने दिया और भगवान ने ले लिया। तो जितना हमें दुख है, भगवान को कितना दुख होता होगा जब वो भगवान के धाम को छोड़ के आते होंगे। आप सोच सकते हैं कि भगवान को कितना दुख होता होगा, जैसे हमसे कोई छोड़ के, हमें कोई छोड़ के जाता है तो हमें दुख होता है, तो भगवान को कितना दुख होता होगा जब हम भगवान को छोड़ के आते हैं। ऐसा सोचेंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उनके बारे में सोचना चाहिए। बात को मानते हैं या नहीं मानते? सही बात है जी प्रभु, जी प्रभु। हाँ, लेकिन ऐसा हम सोचते नहीं है। हम क्या सोचते हैं, मैं और मेरा, मतलब ये मेरा है और अब ये मेरा, मेरा मुझसे छीन लिया, और इसका एक एकमात्र एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है भगवान। बस भगवान को सामने ले आते, इसलिए सारी जिंदगी, सारी दुनिया भगवान को कोसती रहती है, कोसती रहती है। लेकिन भगवान इतना प्यार करते हैं, लेकिन एक बात सुनिए, आप किसी की बेइज्जती करेंगे तो वो व्यक्ति कभी आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन भगवान इतने अच्छे हैं कि हम कितना भी कोसेंगे भगवान को, फिर भी वो हमारी हेल्प करते हैं। इतना, इतना प्रेम कोई किसी से कर नहीं सकता इस संसार में, कि मतलब आप उसको गालियां भी दे रहे हैं और वो फिर भी आपकी हेल्प कर रहे हैं और वो सामने भी नहीं आ रहा है, कितनी बड़ी बात है। अगर सामने आके बताएगा ना, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, भगवान इतने अच्छे सामने भी नहीं आते। अब सोचिए, एक जानवर है, जानवर को क्या बता कि मूर्ति क्या होती है या भगवान क्या होते हैं उसको, लेकिन भगवान उसको सारी चीजें दे रहे हैं। एक शेर को मांस चाहिए, भगवान मांस भी ला के दे रहे हैं। एक सुअर को मल चाहिए, भगवान मल भी ला के दे रहे हैं। लेकिन सुअर को पता ही नहीं है कि कौन सब मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है। सुअर को पता ही नहीं कि मेरे लिए ये सब चीजें कौन कर रहा है। गधे को पता ही नहीं है मेरे लिए ये सारी चीजें कौन कर रहा है। लेकिन एक इंसान है, उसमें भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दे दी कि बेटे अब तो मेरे को आप समझ सकते हो कि ये सारी चीजें मैं आपके लिए मैं कर रहा था। और एक इंसान इतना घटिया है, वो जानवरों से भी घटिया है कि वो इतना, इतना सब कुछ लेने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होता और भगवान को गाली देता है कि भगवान आपने मेरे साथ ये क्यों कर दिया, आपने मेरे साथ वो क्यों कर दिया। वी डोंट हैव एनी राइट्स टू पुट क्वेश्चन ऑन फ्रॉम गॉड, है ना। वो कोई हक नहीं बनता कि हम भगवान से कोई प्रश्न करें, हम हैं कौन, है ना। तो कहने का ये मतलब है, तो इसलिए हमें ना भगवान, भगवान की कृपा मानना, कृपा को समझना चाहिए और चैंटिंग ध्यान से करनी चाहिए। उसके बाद जब हम अच्छी चैंटिंग करेंगे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम अच्छी चैंटिंग करेंगे तो अच्छी चैंटिंग से क्या होगा कि हम, हमारा, हम, हमें ये कैसे पता लगे कि हम अच्छी चैंटिंग कर रहे हैं, कोई बताना चाहेगा? जब हम अच्छी चैंटिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा जब हम अच्छी चैंटिंग करेंगे? मान लो आप अच्छी चैंटिंग कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे क्या आपको दिखाई देगा? प्रभु जी और करने का मन करेगा। हाँ, और करने का मन करेगा, बिल्कुल। हरे हरी बोल, बहुत बढ़िया, हमारा और करने का मन करेगा, ये हमारा रिजल्ट होगा, है ना। अच्छा, मतलब कई बार क्या होता है ना कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, तो बस चैंटिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो हम, इसका मतलब मैं ठीक चैंटिंग कर रहा हूँ। लेकिन आप, आपको अच्छा लग रहा है, ये एक पैरामीटर नहीं है कि आप, आपकी चैंटिंग ठीक हो रही है। आपकी चैंटिंग ठीक तभी होगी जब आपका मन करेगा और चैंटिंग करने का। ये नोट कर लीजिए किताब अपनी कॉपी पे, आप पैरामीटर, आप अच्छी चैंटिंग कर रहे हैं ये कैसे पता लगेगा? जब आपको और चैंटिंग करने का मन करे। कभी ये मत सोचिएगा कि मैंने आज बहुत ध्यान से चैंटिंग कर ली और बहुत अच्छी चैंटिंग हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अच्छे, आप बहुत अच्छे, आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे। बहुत अच्छी चैंटिंग का मतलब ये है कि और चैंटिंग करने का मन करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखिए, माया जो होती है वो हमारे मन, माया क्या है पहली बात तो, माया जो है ना, माया कुछ नहीं है। जब हम भगवान को भूलते हैं तो माया, भगवान को भूलना ही माया है, भगवान को भूलना ही माया है। अब देखिए, आप मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं अटेंड करते, आप भागवतम क्लासेस नहीं अटेंड करते, आप ये वाला सेशन अगर नहीं अटेंड करते, तो आप ये, आप सोच, आप समझ जाइए कि आप माया में। अब ऐसा नहीं है कि माया कोई आपको आके कहेगा कि देखो आप माया में हो, ये लो सर्टिफिकेट, आप थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माया में हो, ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। आप समझ जाइए कि अगर जब, जिस वक्त भी आप भगवान को याद नहीं कर रहे, आप माया में।
बाय डिफॉल्ट एक गिलास है उसके अंदर पानी है तो अब इस आधे जो आपने गिलास को आधा खाली कर दिया तो इसको आप क्या बोलेंगे कोई बताना चाहेगा इस गिलास को देखकर आप क्या बोलेंगे आप गिलास को देखकर रवि जी गिलास आधा खाली है अच्छा और कोई कुछ बताना चाहेगा और कुछ बताना चाहेंगे और कोई कुछ बताना चाहेगा प्रभु जी उसमें आधा गिलास पानी है गिलास आधा भरा हुआ है अच्छा गिलास आधा भरा हुआ है और कोई सरल चौहान माता जी आप बताइए आधा गिलास प्रभु जी एक गिलास आधा पानी से भरा हुआ है आधा गिलास पानी से भरा हुआ है आधा गिलास खाली है अब ठीक है आप सब देखिए वही है ना देखिए मैं आपको एक और सोच बताता हूँ आधे गिलास में हवा भरी हुई है आधा गिलास में पानी भरा हुआ है आप समझ रहे मेरी बात आधे गिलास में हवा भरी हुई है और आधे गिलास में पानी भरा हुआ है मेरी वीडियो दिखाई दे रही है अभी कुछ पता नहीं गड़बड़ी चलती रहती है ना तो आधा गिलास जो है वो पानी से भरा हुआ है आधा गिलास जो है खाली है तो कहने का ये मतलब है कि जब हम आधा गिलास ऐसा नहीं है बिल्कुल खाली खाली नहीं होता वो हवा भरी हुई है उसके अंदर तो उसी प्रकार जब हम भक्ति नहीं करेंगे तो जो हमारा स्पेस क्रिएट होता है ना उसके अंदर माया प्रवेश कर जाती है समझे आप जब हम खाली दिमाग शैतान का घर होता है तो जैसे हम मतलब कुछ नहीं करते तो आप ये समझ जाइए कि माया आपके दिमाग में प्रवेश कर चुकी है और आप जो भी कर रहे हैं सही सोच के वो सब गलत है मैं फिर कनेक्शन भी कोरा इसलिए बंद कर रहा हूँ है ना तो आप जो भी सही सोच के कर रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ वो एक्चुअली गलत है अगर आप भगवान के संपर्क में नहीं है तो आप जो भी सोच के कर रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ वो एक्चुअली गलत है ठीक है इसलिए हर चीज भगवान को मध्य में रख के करनी चाहिए और भगवान को मध्य में रखने का मतलब है कि गाइडेंस में करनी चाहिए अपने फैसिलिटेटर से पूछ पूछ के करनी चाहिए अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए आप अच्छा भी करेंगे और बिना पूछे करेंगे ना आप अच्छा भी करेंगे और बिना पूछे करेंगे तो आप सोचिए आप ये समझ जाइए कि आप जो भी अच्छा कर रहे हैं वो भगवान के प्रभाव में नहीं आके कर रहे वो माया के प्रभाव में आके कर रहे अगर आप भक्ति भी बिना पूछे करेंगे तो आप समझ जाइए कि आप वो भक्ति भगवान की नहीं कर रहे वो माया की भक्ति हो रही है आप समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी बात है इतने गंभीरता से हमें आगे बढ़ना चाहिए कि अगर बिना पूछे हम कोई भी चीज करेंगे तो हम मतलब इस बात को कितना हम ब्रॉडर सेंस में ले सकते हैं मतलब कितना ब्रॉडर सेंस में ले सकते हैं मतलब एक छोटी सी चीज है गिलास से हमने बात शुरू करी है ना टेस्ट उससे पहले हमने टेस्ट की बात शुरू करी फिर गिलास पे पहुंचे एग्जाम्पल और गिलास से पहुंचते पहुंचते हम यहां तक पहुंच गए और इतना तक कहने लगे कि अगर आप भक्ति भी बिना पूछे कर रहे हैं तो वो आप समझ जाइए कि हो सकता है कि वो आप भक्ति जो है भगवान के प्रभाव से ना कर रहे हो वो माया के प्रभाव से कर रहे हो और एक दिन भक्ति के अंदर रहते रहते आप भक्ति से नीचे गिर जाएंगे ये दो हैंड रेज है इंदु माता जी के और इंदु माता जी कुछ पूछना चाहते हैं दोबारा पूछिए माता जी आपके बाद खटखट खटखट कुछ आ रही प्रभु जी ये पूछ रहा है जिससे आदमी जपा कर रहा है तो दिमाग इसके लिए जिससे लड्डू गोपाल का ध्यान रखते हैं आंख बंद करो वॉइस किसको समझ आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं कि माता इंदु माता जी क्या कह रहे हैं जी प्रभु जी माता जी बोल रही है कि जपा करते समय लड्डू गोपाल जी का ध्यान करते हुए करना चाहिए ताकि मन इधर उधर ना भटके अभी हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कीर्तन प्रभावे स्मरण हवे मतलब स्मरण
आपको कीर्तन से होना चाहिए, ना कि आपको, आप तो तुरंत आप स्मरण दशा में पहुंच गए ना, कि पहले कीर्तन होगा फिर स्मरण होगा, और जब कीर्तन होगा तो स्मरण स्मरण जो है भगवान आपको गिफ्ट करेंगे। अगर आप चैंटिंग करेंगे तो आप इसका मतलब आपका दिमाग जो वहां देखने में लगा हुआ है, आपको ये नहीं पता लग रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। आप समझे, आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन आप ख्यालों में कहीं और खोए हुए हैं, आप सामने भगवान को देख रहे हैं उनके ख्यालों में खोए हुए हैं। तो वो पूरी तरीके गलत नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे आचार्य बता रहे हैं कि आपको कीर्तन करना है ध्यान पूर्वक। उसके बाद ये जो आप करने का कोशिश कर रहे हैं, जो अभी आप करने का कोशिश कर रहे हैं, ये भगवान खुद आपको गिफ्ट देंगे, है ना। इतनी जल्दी हमें उछल के आगे नहीं जाना है, ठीक है जी प्रभु। तो हम हाँ ठीक है, तो मैं अभी वो बता रहा था कहाँ तक पहुंच गए थे हम। तो हाँ, गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो अब जब भी हमें टेस्ट आता है ना चैंटिंग करते वक्त, तो हो सकता है कि वो टेस्ट जो है हमें माया दे रही हो, है ना, ये भी हो सकता है, और हमें लग रहा हो कि भगवान टेस्ट दे रहे हैं, तो है ना। तो कई इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, जपा बहुत जरूरी है ढंग से होना, है ना। कई बार हम अब मान लो कोई हम YouTube पे लेक्चर सुन रहे हैं और वहां पे लेक्चर देने वाले बहुत ही अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, और पीछे म्यूजिक बज रहा है ना, और हम एकदम मदहोश हो गए, मजा आ गया, क्या लेक्चर दिया प्रभु जी ने, और क्या पीछे म्यूजिक भी बज रहा है ना, सब चीजें हो रही हैं, है ना, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ये चीज जो है ना, ये इससे इस चीज से ये साबित नहीं होता कि भाई आप जो है ना कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। भाई म्यूजिक सुनना किसको पसंद नहीं है, म्यूजिक तो सबको ही अच्छा लगता है ना। वही कोई आपको पेड़ के नीचे बैठ के लेक्चर दे जिसमें कोई म्यूजिक नहीं है, एकदम डांटते हुए आपको लेक्चर दे, है ना, और बड़ी ऐसे लेक्चर दे आपको थोड़ा समझ भी ना आ रहा उसकी कैसे बोल रहे हैं पता नहीं कैसे, तो तब भी आपको अच्छा लगना चाहिए, अगर आपको अच्छा ही लगना है ना। समझे आप, मतलब बात कहने का ये मतलब है कि अच्छे लगने से कोई क्राइटेरिया ये सेट नहीं होता कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी यही है, हम भक्ति में आते हैं तो हम वो चीजें करते हैं जो चीज हमें अच्छी लगती है, हमें वो करना चाहिए जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है, और हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। यूट्यूब पे कुछ भी सर्च मार लिया, इसका अच्छा लग रहा है उसका भी सुन लो इसका भी, सबका सुन लो, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हर एक डॉक्टर से दवाई खाएंगे तो पता है दवाई रिएक्शन कर जाएगी। डॉक्टर जो है वो प्रमाणिक होना चाहिए, उसकी दवाई कैसे लेनी है डॉक्टर से पूछना चाहिए, है ना। हर एक आयुर्वेदिक भी चल रही है, एलोपैथिक भी चल रही है, होम्योपैथिक भी चल रही है ना, यूनानी भी चल रही है, बंगाली भी चल रही है ना, घरेलू भी चल रहा है, है ना। तो पूरा मतलब हर चीज चल रही है, तो फिर क्या होगा बताइए, क्या होगा फिर एक हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है ना, उस हॉस्पिटल में भी बहुत सारे डॉक्टर है ना, आपकी फाइल एक डॉक्टर के पास है ना, उसको आपकी हिस्ट्री का पता है, है ना। तो कायदे से रूल ये कहता है कि उस फाइल को लेके आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह मशवरा लीजिए। तो उसी प्रकार अगर आप इस्कॉन के ही दूसरे लेक्चर सुन रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पहले डॉक्टर को पता होना चाहिए, ताकि वो उस डॉक्टर को भी बता सके कि भाई ये जो है ना मरीज आपके पास भी आ रहा है, इसको ना ये दवाई थोड़ी हल्की देना, नहीं तो ये बेहोश हो जाएगा ठीक है ना, ठीक है। एटलीस्ट पहले डॉक्टर को पता होना चाहिए ना, एटलीस्ट मैं मेरा कहने का मतलब, एटलीस्ट घर से बच्चा निकलता है ग्राउंड में खेलने के लिए तो ग्राउंड में जाना बुरा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मम्मी को पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ पे जा रहा है बच्चा, है ना, ताकि अगर वो मान लो काफी देर से वो आया ही नहीं। लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन क्या सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे, है ना। तो मैं ये कह रहा था, चैंटिंग का मतलब ये है, जब चैंटिंग आप ढंग से करेंगे तो आपको पता, आपको अंदर से महसूस होगा कि मैं और चैंटिंग करनी है, ठीक है। एक तो ये हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे चलते। अब मैं जो थोड़ा स्लो चल रहा हूँ तो ठीक है ना, ये यस प्रभु जी, आप सब कोई सब म्यूट मोड पे है ना, तो आप एटलीस्ट आई थिंक मतलब आप सबको समझ पा रहे हैं ना। यस प्रभु जी, जी प्रभु जी, आप ही सब कहते हैं यस नो, और तो कोई बोल ही नहीं रहा है ना।
वंदना पांडे ना रंजना माता जी ना जी प्रभु जी जी प्रभु जी समझ में आ रहा है प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी अच्छा जो कुछ चीजें ना बोलनी नहीं जाती तो कहते चैट बॉक्स पे लिख दीजिए कि हाँ यस हरि बोल या हरे कृष्णा कुछ 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 तो पता लगे कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है उसके बाद तो कभी भी हमने चैंटिंग को नापना नहीं चाहिए ये सोच के कि बहुत अच्छी चैंटिंग हो रही है अगर हमें चैंटिंग को नापना है तो इसका मतलब हमारा मन करेगा और चैंटिंग करने के लिए ठीक है और हमारा मन और क्या करेगा जब हम अच्छी चैंटिंग करेंगे तो हमारा मन करेगा सर्विस करने का सेवा करने का है ना सेवा करने का सेवा कोई करना नहीं चाहता है ना सेवा करने का मन कर रहा है तो इसका मतलब हम चैंटिंग ठीक कर रहे हैं और प्रभुपाद जी कहते थे चैंटिंग इज द बेस्ट सर्विस सबसे बड़ी सेवा है चैंटिंग अच्छा अब कोई कहेगा कि भाई मैं भाई सेवा करूं या मैं चैंटिंग करूं बताइए अब आप बताइए क्या आप प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग इज द बेस्ट सर्विस अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि भाई आप अब मान लीजिए आपको कोई सेवा आती है तो आप सेवा करेंगे या चैंटिंग करेंगे बताइए हरे कृष्णा प्रभु जी पहले सेवा करेंगे मतलब कोई एक सेवा को चलो और स्पेसिफाई कर देते किचन में सेवा है भाई भोग बनाना है तो भोग बनाएंगे या चैंटिंग करेंगे तो माता जी का कहने का मतलब हम भोग बनाएंगे और बताइए और कोई कुछ कहना चाहेगा प्रभु जी पहले चैंटिंग फिर सेवा क्यों क्यों पहले चैंटिंग क्यों भोग भगवान भूखे रहेंगे तब तक प्रभु जी चैंटिंग तो जरूरी है ना इसलिए तो करना ही करना है दिन में क्यों जी भगवान भूखे रहेंगे तब तक नहीं प्रभु जी भगवान का भोग तो ये कुछ भी लगा सकते हैं प्रभु जी जरूर आप अपने बच्चों को कुछ भी दे देंगे भोग भगवान का भोग लगाना है भोग बनाना है तो आप पहले भोग बनाएंगे प्रभु जी अगर ऐसा कुछ मतलब अर्जेंट है तो पहले भोग बनाएंगे भगवान को भोग लगाया जाएगा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी 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 प्रभु जी पहले चैंटिंग के द्वारा अपने अपने को पहले इस लायक तो बनाए कि भगवान को भोग लगा सके ये भी तो ये अच्छा है बहुत सही काम आता है जिसकी माता जी ने है ना पहले इस लायक एक्चुअली क्या होता है ना देखिए जब ना आपने देखा होगा जब आप आईसीयू में जाते हैं हॉस्पिटल में तो ना आईसीयू में आप ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते आपको चप्पल बाहर उतारनी पड़ेगी आप ऐसे नहीं है कि भाई कीचड़ में नहा के आईसीयू में चले गए ऐसे कभी देखा है कोई मरीज भाई कीचड़ में नहा के आईसीयू में चला गया देखा है कोई मरीज आपने क्योंकि प्रभु जी मैंने सुना है कि जब तक चार पांच माला जैसे ना करो तो भगवान भी भोग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं शायद यही बात बिल्कुल सही है प्रभु जी जो गीता में वो जो बोले थे वो भोग वाला उसने तो लिखा था 16 चैप्टर के बाद ही भोग बनाया जा सकता है कोई नहीं करता 16 पे तो फिर भोग बनाइए ही मत है ना तो भोग बनाइए ही मत प्रभु जी मेरा तो कहना यही है कि मतलब अगर भगवान आपके घर में बैठे हैं तो वो भूखे क्यों बैठे रहे हैं पहले आप उनको भोग बनाइए और भोग लगाइए फिर आप उसके बाद चैंटिंग करिए अच्छा आप कीचड़ में नहा के भोग बना रहे हैं भोग बनाना जरूरी है प्रभु ऐसा तो नहीं है लेकिन ये होता है कि अगर आप भगवान आपके घर में बैठे हैं आपकी भावना अच्छी है तो आप पहले सुनिए आपके घर में मतलब प्राइम मिनिस्टर आए है ना आपकी भावना बहुत अच्छी है ना लेकिन आप मतलब जो है बिल्कुल आप कोरोना के मरीज हैं आप जाके उनसे गले मिल रहे हैं तो कहेंगे भावना अच्छी मेरी भावना बहुत अच्छी है ना है कि नहीं मतलब कोरोना एक बार एक वीडियो वायरल हुई थी तो उसमें ना एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा था तो एक उसका कोच आता है कहते बड़ा दुखी होकर एक्सरसाइज कर रहा था तो उससे आगे कहते भाई बहुत मोटा सा आदमी था एक्सरसाइज कर रहा था तो उसे कहते भाई ऐसे चिंतित क्यों हो आप इधर आओ है ना बड़े मास आपको इतने मुंह लटका इतनी अच्छी सेहत है आपको इतना मुंह लटका अरे गले में तो मैं हूं ना क्या हुआ बताइए तो वो कहते हैं भाई मैं क्या सर मैं क्या बताऊं मेरे को कोरोना हो गया तो वो उसे शॉक लग जाता है वो कहते हैं अरे ये तो भाई ये क्या है
मतलब ये क्या कर दिया तूने, वो बताओ इसको कैसे, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा कि भाई मेरे साथ क्या हो गया है ना। तो आप बताइए, और कुछ नहीं है तो फिर मैं बताता हूँ। वैसे सीमा माता जी काफी अच्छा बता रहे थे, ठीक है। तो देखिए, कहने का ये मतलब है कि प्रभुपाद जी कहते हैं चैंटिंग इज द बेस्ट सर्विस, लेकिन हमें कैसे पता चले है ना कि चैंटिंग इज द बेस्ट सर्विस है ना। हो सकता है कुकिंग बेस्ट हो, तो अगर एक ही समय पे दोनों सेवाएं आती हैं तो हमें हमें कैसे पता लगे कि क्या सही है क्या गलत है ना। ज्यादातर वैसे तो हम अनइंटेंशनली ज्यादातर हम चैंटिंग ही चूज करते हैं, क्योंकि हम चैंटिंग हमें आसान लगेगा बजाय भोग बनाने के। चैंटिंग आसान है क्योंकि माला उठाई करना शुरू किया, भोग बनाने के लिए तो हमें काफी सारी सामग्री भी चाहिए होगी। देखिए सबसे पहली चीज अब मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिए। बताऊं आपको, सब सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी। ठीक है ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपने आपको, खचखच खचखच खच आवाज आ रही है ना। तो सबसे पहली चीज है कि जब अगर आप बिना चैंटिंग के कोई भी सेवा करेंगे भगवान की, तो उसमें ना ऑफेंसेस होने की संभावना ज्यादा है। मतलब आप ऑफेंसेस को कैसे कहेंगे, अपराध होने की संभावना काफी ज्यादा है। क्योंकि अगर आप देखिए हमारे मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में भी आप डीटी रूम के अंदर जा नहीं सकते जब तक आपको ब्राह्मणिकल दीक्षा नहीं हो जाती है ना। और अगर आप इस्कॉन के मंदिर की किचन में ना मास्क पहन के भगवान के लिए भोग बनाया जाता है, और अगर आप बाथरूम भी जाते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं, मतलब एक नंबर, और उसके बाद आपको नहाना पड़ेगा। तो और उसके बाद भी अगर आप भोग बनाते वक्त गलत विचार रख रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, तो उसकी वजह से भी भोग अपवित्र हो जाता है। और तो और अगर आप मतलब भगवान का भोग बना रहे हैं और उसकी खुशबू भी आपने सूंघ ली तो भी अपराध है। मतलब और खुशबू सूंघ तो ली, उसके साथ साथ हमने रस भी लेना शुरू कर दिया कि अरे वाह क्या बात है, भगवान को भोग लगने के बाद ये पनीर की सब्जी मेरे पेट में जाएगी, तो ये भी अपराध है ना। इसलिए जब भी भगवान का अभिषेक भी होता है, जब भी भगवान का अभिषेक होता है या सुबह मंगला आरती होती है या फिर जब भी भोग बनाया जाता है ना, आपने देखा होगा कि जब एक तरफ तो आरती हो रही है, अंदर पुजारी आरती कर रहे होते हैं और साइड में किचन में भोग बन रहा होता है, और बाहर भक्त जो है कीर्तन कर रहे होते हैं। जब भी अभिषेक हो रहा होता है तो बाहर कीर्तन हो रहा होता है। ये कीर्तन क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हरि नाम कीर्तन में इतनी शक्ति है कि जो भी अपराध होंगे ना सेवाओं के दौरान, वो सब अपराध आपको लगेंगे नहीं। इसलिए जब भी आप किचन में कोई भी चीज बनाते हैं तो कीर्तन लगा के करिए। अगर भगवान के लिए कोई भी चीज कर रहे हैं तो कीर्तन चलता रहना चाहिए। अगर कीर्तन नहीं चल रहा तो आप मुंह से कीर्तन करते रहिए। जैसे मतलब आप जॉब पे जा रहे हैं तो गुनगुनाते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें कीर्तन मस्ट है, क्योंकि कीर्तन आपको सपोर्ट करेगा। नहीं तो आपको तो ये भी नहीं पता है कि इतने सारे ऑफेंसेस होते हैं। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये सब बातें पहले नहीं सुनी होंगी है ना, आप आई थिंक नहीं सुनी होंगी, बता सकते नहीं है ना। तो ये सिद्धांत है। तो इसलिए ना चैंटिंग जो है ना, आपको सारे अपराधों से बचाती है। लेकिन चैंटिंग का मतलब ये नहीं है कि चैंटिंग के बल पे अपराध करना, नाम के बल पर अपराध करना, 10 नाम अपराध होते हैं ना, वो तो फिर अलग कैटेगरी हो गई। फिर तो आप नाम के बल पे अपराध करेंगे ना तो वो तो घोर अपराध हो गया। तो जो भी चीज है ना इस्कॉन में, आप जो भी चीजें देखते हैं, हर चीज कीर्तन से ही, कीर्तन उसमें होता है। कुछ भी हो रहा हो, कोई आ रहा है तो कीर्तन, कोई जा रहा है तो कीर्तन, कोई सुबह मंगला आरती, पुजारी आरती कर रहे तो कीर्तन, आफ्टरनून में तो कीर्तन, शाम को तो कीर्तन है ना, अभिषेक हो रहा है तो कीर्तन, प्रसाद मंदिर लग रहा है तो कीर्तन, हर जगह कीर्तन ही कीर्तन। क्योंकि जाने अनजाने में भाई अपराध तो हो ही जाते हैं, तो हमें कीर्तन अपराधों से बचाता है। इसलिए चैंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सेवा से है ना। और अगर हम चैंटिंग करे बगैर सेवा करेंगे ना, तो हमारे अंदर या तो अभिमान आ जाएगा, या फिर हम ये सोचेंगे कि भाई मतलब बहुत ही गलत सोचेंगे। मतलब एक तो अभिमान आ जाएगा अगर अच्छी सेवा करेंगे, अच्छी सेवा नहीं करेंगे तो हमें ये लगेगा कि भाई हम ही मिले इन्हें सेवा के लिए, हर बार हमें सेवा मिल जाती है ना। या फिर हमें 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 क्या सेवा करते करते हमें मतलब जो कॉम्प्लेक्स होगा कि वो तो देखो इतनी अच्छी सेवा करता है, मैं तो इतनी अच्छी सेवा नहीं करता, बहुत सारी चीजें है ना। तो और मतलब और सारी जितनी भी और सेवाएं हैं उसके लिए बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन हरि नाम के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप दूषित हैं या नहीं है, आप हरि नाम कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक बार बाथरूम में जा रहे थे तो अपनी जीप को पकड़ के जा रहे थे, तो एक उनका शिष्य था, क्या नाम था उसका, गोविंद था शायद,
तो वो कहते हैं उनको भाई आप ही कुछ और भी मैं भूल रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि भाई आप जीप को क्यों पकड़ रहे हैं, तो वो महाप्रभु कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे मैं भगवान का नाम लिए बगैर रह ही नहीं सकता, मैं छोड़ूंगा तो ये जीप फिर नाम लेगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये शरीर तो कभी भी छूट सकता है, तो एटलीस्ट वो तो भगवान थे, भगवान एक लीला कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं भाई ये शरीर तो कभी भी छूट सकता है, 24 घंटे हमारे मुंह पे, तो इससे हमें ये पता लगता है कि नाम लेना कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो जो भी आप करिए, प्रभुपाद जी कहते थे, इसलिए आप जो भी सर्विस करिए, जो भी सेवा करिए, हरि नाम लेते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए लेक्चर से पहले भी कीर्तन होता है, कभी ये बात नोट करिए कि लेक्चर से पहले ही कीर्तन क्यों होता है, बाद में क्यों नहीं होता, कभी सोचा ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि लेक्चर के दौरान भी हम अपराध कर सकते हैं ना। अब मैं मान लो लेक्चर ले रहा हूँ, अब मेरी वजह से किसी को कोई बात बुरी लग गई, या फिर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया गलती से जो देवताओं को बुरा लग गया, या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो भगवान को ही बुरा लग गया, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हम कीर्तन करते हैं, है ना, सुन पा रहे हैं ना? जी प्रभु जी। ठीक है, तो इसमें श्रीला प्रभुपाद जी जो है ना, श्रीला प्रभुपाद जी श्रीला जीव गोस्वामी को मतलब कोट करते हुए चैतन्य चरितामृत अंत लीला में बताते हैं। हिंदू माता जी के यहाँ से तो इतनी गड़बड़ आती रहती है, पता नहीं क्या चीज बज रही है, आप म्यूट में रखिए माता जी, है ना। तो यद्यापि कलो अन्य कर्तव्य सेवा भवति, तथापि कीर्तनस्य उमाया, मतलब ऐसे इस तरीके से कुछ श्लोक था, मैं कुछ ध्यान नहीं आ रहा। उसमें बताते हैं प्रभुपाद जी, वहां पे कोट कर रहे हैं, मतलब कि भाई चैतन्य चरितामृत अंत लीला में जीव गोस्वामी को कोट करते हुए बता रहे हैं कि भाई कलयुग में तो बहुत सारी सेवाएं हैं, है ना, लेकिन वो सारी सेवाएं चैंटिंग के साथ साथ होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ, जैसे यशोदा माई भी जो दधी मथ रही है, तो भगवान के बारे में गाना गा रही है। जैसे आज हम गांव की जो पहले औरतें होती थी, स्त्रियां होती थी, वो लोकगीत गाती थी, आपने देखा होगा, मैं तो याद नहीं गांव को देखा, लेकिन कोई आप में से गांव का होगा तो आपने देखा होगा, पहले जमाने में जो गांव में लोकगीत गुनगुनाते रहते थे, आज तो फिल्मी गाने मतलब गुनगुनाती हैं औरतें, लेकिन पहले लोकगीत गाती थी, है ना, ऐसा है ना, पहले जमाने में स्त्रियां लोकगीत गाती थी, और शादी ब्याहों में भी लोकगीत होते थे। जी प्रभु जी, है ना, शादी ब्याहों में भी लोकगीत होते हैं, आजकल तो राक्षस गीत होते हैं शादी ब्याहों में, आजकल की शादियां जो होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं। एक मैं एक लेक्चर लूंगा अरेंज मैरिज और लव मैरिज के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो मैं लूंगा, उसमें मैं मतलब एक बताऊंगा कि भाई ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है लव मैरिज के बारे में, और नीति शास्त्र क्या कहता है लव मैरिज के बारे में, अरेंज मैरिज के बारे में, बड़ी अरेंज मैरिज के बारे में क्या कहा जाता है, और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज उसके बारे में क्या कहती हैं। बहुत अच्छा एक मतलब आपको समझ में आएगा कि एक एक चीज कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये हो क्यों रहा है ना। ठीक है, फिलहाल तो हम इसी में आगे चलते हैं। उसके बाद तो मतलब तो जो भी है, हमें जो भी करना है वो हरि नाम के साथ ही करना है, ये समझ में आ गया, क्योंकि बहुत ही सारी सेवाओं में बहुत रूल्स रेगुलेशन है, इसलिए अगर हम हरि नाम हमें अपनी चैंटिंग प्रॉपर नहीं रखेंगे, और जो भी हम सेवा कर रहे हैं बीच बीच में हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलेंगे ना उस सेवा को करते हुए, या कीर्तन नहीं सुनेंगे ना, तो हम उस सेवा में अपराध करेंगे, इसलिए फिर हमारा टेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए कई बार क्या होता है ना, काफी समय के बाद लोग इस्कॉन में आना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि भाई वो जो सोचा था वो हो नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने ढंग से चैंटिंग नहीं करी, है ना। अच्छा, तो तो ये आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो प्रैक्टिस करनी है हमें चैंटिंग के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ना, अब ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है हमें चैंटिंग, इसके लिए कैसे करनी है प्रैक्टिस, सबसे पहले हमें चैंटिंग फास्ट नहीं करनी है, आराम आराम से करनी है, कोई जल्दी नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, गाड़ी छूट नहीं रही। अगर चैंटिंग आपने आराम से करी
तो उसका आपको फल अच्छा मिलेगा। अगर आपने चैंटिंग फास्ट करी तो क्या होगा, उसका फल आपको बहुत लेट मिलेगा, है ना, थोड़ा कड़वा भी होगा। ये अगर अच्छे स्लो स्लो आराम आराम से करेंगे तो उसका फल जल्दी मिलेगा और काफी मीठा मिलेगा। भले ही आपकी दो तीन माला छूट जाती है वो बाद में कर लीजिए, लेकिन आराम आराम से, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी किस बात की, जल्दी किस बात की है, है ना। जब आपने देखा होगा कि when girl and boy sit together and they talk with each other, the time will pass in such a way that they didn't even know how this time is passing. पता ही नहीं लगता है। तो उसी प्रकार हमें आराम, भगवान आए हैं, उनको बुलाया है हमने, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके आराम आराम से बातें करें। जल्दी हाय तो 64 माला ही करनी है, आज तो दिखा देना है। वो तो साधना स्कोर सिर्फ दिखाने के लिए, 64 माला आज तो सबसे ज्यादा मेरा साधना स्कोर, सबसे ज्यादा मेरा स्कोर होना चाहिए कि मैंने इतनी माला करनी है। कई लोग इसलिए भी करते हैं, सबसे ज्यादा मेरा दिखना चाहिए, सबसे ज्यादा दिखना चाहिए, है ना, लगना चाहिए कि मैं कोई चीज हूँ। ये भावना नहीं रखनी चाहिए, अंदर देखिए कि क्या क्या चल रहा है। आराम आराम से करिए, जितनी हो गई हो गई, 16 तो करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने आराम से कर रहे हैं आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो इतना भी आराम से नहीं करना, तो सुबह से शाम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अमूमन आपकी 2 घंटे में हो जानी चाहिए खत्म। आराम आराम से करिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक एक शब्द को सुनते हुए कि आप क्या बोल रहे हैं, वो आप बोल रहे हैं यानी कि आत्मा बोल रही है मुंह के द्वारा, आप सुन रहे हैं यानी कि आत्मा सुन रही है कान के द्वारा, कोई और व्यक्ति है जो बोल रहा है और कोई और व्यक्ति है जो सुन रहा है। मुंह और कान तो माध्यम है, तो उस चीज को महसूस करने का प्रयास करिए कि वो चीज, वो व्यक्ति जो अंदर है, वो आत्मा है, वो सुन रही है, उसको सुनाना है और उसको 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 डोज जा रही है, उसको उसकी खुराक उस तक पहुंचनी चाहिए। अगर उसकी खुराक उस तक नहीं पहुंचेगी ना, तो हमारे शरीर में 2 कुत्ते होते हैं, एक होता है एक आध्यात्मिक कुत्ता होता है और एक भौतिक कुत्ता होता है ना, हमें 2 कुत्ते होते हैं। अगर हम आध्यात्मिक कुत्ते को खुराक अच्छी नहीं देंगे ना, तो भौतिक कुत्ता जो है वो खट्टा खट्टा हो जाएगा और वो आध्यात्मिक कुत्ते के ऊपर बैठ जाएगा, है ना। इसलिए हमारा हमें जो है उसको, भौतिक कुत्ते को तो फास्टिंग करानी है और आध्यात्मिक कुत्ता जो है हमारे अंदर उसको तंदुरुस्त करना है, है ना। मतलब मैंने ये तो हमारे आचार्य मतलब कई वैष्णव सॉन्ग्स में भी बोलते हैं कि हम आमी तो कुकुर, मैं तो मतलब हम, मैं कौन हूँ, मैं तो डॉग हूँ। मतलब ये हमें सोचना चाहिए, आई एम डॉग। डॉग क्यों है, क्योंकि डॉग जो है बड़ा वफादार होता है, है ना, इसलिए, है ना। तो क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। सेकंड है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं करनी, है ना, और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं करनी। मतलब फास्ट ऊपर बता दिया मैंने, दूसरा है बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं करनी। और हमें कभी किसी को ना इमिटेट नहीं करना है, मतलब किसी को नकल नहीं करनी है। मतलब चैंटिंग करते हो ना भाई, वो ऐसे चैंटिंग कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे कर, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे करिए। आपको बैठ के कंफर्टेबल है बैठ के करिए, कुर्सी पे बैठ के कंफर्टेबल है कुर्सी पे बैठ के करिए, खड़े होकर कंफर्टेबल है खड़े होकर करिए, सोइएगा मत बस, थोड़ा चल, अगर बहुत ही नींद आ रही है थोड़ा चल के करिए। ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ते हुए कर रहे हैं तो आप गिर जाएंगे, है ना, फिर दिमाग कहीं और चला जाएगा, है ना। तो अब लोग क्या करते हैं आजकल के समाज में, इमिटेट करते हैं कि भाई शिव जी के भक्त हैं हम, तो हम दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे, ये करेंगे। लोग नकल करते हैं, हमें नकल नहीं करनी। चैंटिंग में हम हरिदास की नकल नहीं कर सकते, 192 वाला हमारे बस की बात नहीं है। जितनी करें ध्यान पूर्वक करें। लोग शिव जी को इमिटेट करते हैं, दारू वालू ये सब पीते हैं, उनको यही नहीं पता कि शिव जी दारू पी के भी दोनों टांगों पे खड़े रहते हैं। और शिव जी कोई दारू नहीं पीते हैं, शिव जी ने हलाहल विष पिया था, शिव जी ने हलाहल विष पिया था, विष तो पीते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है विष पियेंगे तो मर जाएंगे, तो दारू ले आते हैं। वो कहते हैं कि चलो भाई कुछ तो होना चाहिए ना, टक्कर की चीज, ऐसे विष नहीं पी सकते हम, दारू तो पी सकते हैं ना। पूरी जिंदगी दारू पीते हैं, लीवर सड़ जाता है, मर जाते हैं, और दारू पी के भी दोनों टांगों पे खड़ा नहीं हो जाते, गिर जाते हैं, है ना। और खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिरते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं। शिव जी ने तो इसलिए हलाहल विष पिया था ताकि वो सारे समाज का, पूरे पृथ्वी का उद्धार कर, है ना। और हम किस लिए पीते हैं, ताकि हम, हमारे ऊपर उद्धार चढ़ सके और हमारे मरने के बाद लोग अपने हमारे बच्चों को पकड़ के ले जाएं और खूब पीटें। ऐसे ये तो सही बात हो गई, वैसे ऐसे ही होता है ना।
है ना, आपने देखा होगा है ना, आप समझ समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना। अच्छा ये एक क्वेश्चन ये है कि हम तेजी से चैंटिंग क्यों करते हैं, आप बताइए चैंटिंग हम तेज क्यों करते हैं, आप बताइए आप चैंटिंग तेज क्यों करते हैं, ऐसा कौन सा वो खटमल है जो हमें काट रहा है जो हम चैंटिंग तेज करते हैं, बताइए। माला पूरा होने के लिए प्रभु जी, है जी माला पूरा होने के लिए, जल्दी पूरा हो जाएगा 16 माला, इसलिए उसके बाद क्या मिलेगा 1 करोड़। जी प्रभु जी वो प्रभु जी, लेकिन दिमाग में तो यही बात आता है ना, लेकिन एक मिनट उनको उनको बोलने दीजिए ना, मैं तो यही क्वेश्चन हूं कि कैसे क्यों करते हैं, जैसे जल्दी माला पूरा रहेगा फिर क्या मिलेगा, वो कुछ मिले ना मिले प्रभु जी, लेकिन लगता है जल्दी माला हो जाए। अच्छा जल्दी से लपेट लो भगवान को, है ना। अच्छा प्रभु जी मुझे लगता है सब फ्री होना चाहते हैं 16 माला करके कि जल्दी से मेरा हो जाए 16 माला के करके, और फ्री बन के हम फ्री फिर हम वो करेंगे जो हमें करना है, हम आजाद आजाद पंछी बनना चाहते हैं हम, है ना। कब तक भगवान हमें आप रोक के रखेंगे, अब हो गया ना आपका तो, अब हम आ गए, हम आजाद हैं, हमें उड़ने दीजिए उन हवाओं में, है ना, ठीक है ना। और कोई हम क्यों करते हैं तेज तेज चैंटिंग, और कोई है यहाँ पे, और कोई चैंटिंग नहीं करते, सब समाधि अवस्था में चले गए। प्रभु जी लोग समझते हैं कि ये एक मुझे ये काम करना ही है, मुझे माला करनी है, तो मुझे ये 16 माला जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पूरा करके रख दूं। नहीं फिर रख दूं मतलब क्या, उसके बाद करना क्या, मतलब रख दूं मतलब उसके, मैं ये पूछ रहा हूँ प्रभु जी बाकी सेवाएं भी तो होती है ना, जैसे घर की सेवाएं हो गई, फिर एक दो ऐसे जैसे क्लास है आज अटेंड क्लास भी करना है तो भी हो जाएगा, ऐसे सोच के भी तो होता है ना। अच्छा अच्छा ये फिर इतनी सारी चीजें हैं, सुबह सुबह कौन सी चीजें आती हैं, इसलिए कहते हैं ना वैसे सुबह ही करनी चाहिए, जब 10 चीजें हमारे सामने होंगे उस समय आप चैंटिंग करने शुरू करेंगे फिर तो मन कहेगा कि भाई आप वो भी करना है वो भी करना है, उस सिचुएशन में तो तेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सुबह में कह रहा हूँ, सुबह अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी सेवा है जो आपको मतलब जो आपको परेशान कर रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। और मान लो, और मैं दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आप 16 माला तो भूल जाइए, मैं ये कह रहा हूँ हम तो 16 माला को छोड़ ही दीजिए, हम तो 4-5 माला भी तेज करते हैं, वो तेज क्यों करते हैं हम, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप पूरी माला करिए, आप थोड़ी सी माला करिए, थोड़ी सी बाद में कर लीजिए, वो थोड़ी माला भी हम तेज करते हैं, क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये है। प्रभु जी थोड़ी माला तेज नहीं होती है, जब ये रहता है ना बहुत सारी मालाएं करनी है, जैसे 81 को इतना पूरा कर लेना है, अच्छा चलो तेज कर लेते हैं, ऐसे होता है प्रभु जी, ऐसे जैसे अच्छा 2 माला करके उठ के फिर बाद में करेंगे, ऐसे सोच के अगर करेंगे तो ज्यादा नहीं स्पीड ज्यादा नहीं होता है प्रभु जी। अच्छा अब रिकॉर्ड करिए माला सब ना अपनी जब चैंटिंग करते हैं ना, रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्डिंग ऑन करके रखिए। और प्रभु जी थोड़ी सी कंफ्यूजन है ये है कि प्रभु जी की मतलब तेज तेज मतलब जोर जोर से करना, जल्दी जल्दी मशीन गन चैंटिंग, जल्दी जल्दी करना मशीन गन चैंटिंग, जल्दी जल्दी फिर तो वही होता है, लगता है जैसे इन्हें पीछे से कोई भगा रहा है और ये जल्दी जल्दी करे जा रहे हैं, इतनी जल्दी। मैं आपके आप क्यों करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं प्रभु जी मैं तो करती नहीं इतनी जल्दी। आप क्यों करते हैं मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन तो ये है कि आप क्यों करते हैं ना। प्रभु जी मैं नहीं करती हूँ। अच्छा तो 2 घंटे लगते बड़े आराम, बल्कि 2 घंटे 10 मिनट लग जाते हैं कभी कभी तो। नहीं तो ये ठीक है, चलिए ये ठीक है, मेरा मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मतलब प्रभु जी जल्दी हम भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि मतलब ऐसे सोच ऐसे होता है कभी कभी, कभी कभी होता है ना, तो मतलब इसे कहते हैं सुबह करना चाहिए थोड़ा, और ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हमें आज तो कोटा ये वाला है ना, तो मैं अभी इस 2 घंटे में कंप्लीट कर दूंगी, और इस मेरी बच्चा रो रहा है वो भी रोता रहे, है ना, रोटी जो सड़ रही है वो भी सड़ती रहे, जब तक तो मेरी 16 माला नहीं होंगी मैं उठूंगी नहीं, और जो मतलब घर पे वाइफ है या हस्बैंड है वो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो पूरा हाई हो जाने दो, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन मैं 16 माला जब तक नहीं होंगी तब तक मैं उठूंगी नहीं, ऐसे मतलब हम सोचते हैं ना, तो वैसा नहीं करना चाहिए भाई। हम टाइम देखो अभी 6 बजे, 6 से 7 हमें 6 से जो 7 का समय है ना, इसके अंदर मैं अपना बेस्ट दूंगा, और उसके बाद मैं रख दूंगा,
उसके बाद पहले वो जो चीज मेरे को जरूरी लग रही है पहले मैं वो करूंगा, और बीच में टाइम मिलेगा तो उसके बाद हम चैटिंग करेंगे। इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, है ना। और तो हम क्या करते हैं ना, फास्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सब चीजें जरूरी लगने लगती हैं जब हम चैंटिंग करते हैं। सारी चीजें हमारे दिमाग में उसी वक्त जरूरी लगने लगती है। हमने देखा होगा चैंटिंग जैसे हाथ में आते हैं ना, तो ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं हमारे शरीर के अंदर, कि हमें वो चीजें याद आने लगती हैं जो उससे पहले याद नहीं आ रही थी। ऐसा होता है? बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। मेरे को तो लगता है कि पिछले जन्म की यादें भी उसी वक्त आती हैं हमें, कि भाई हम पिछले जन्म में कोई ह्यूमन रहे होंगे या कहीं किसी करोड़पति घर में होंगे या फिर राजा रहे होंगे। होता है कि लगता है चैंटिंग जल्दी मतलब हो जाए, नहीं तो जो बाकी घर के सदस्य हैं उठेंगे तो फिर डिस्टरबेंस होगा, उससे अच्छा है जितना अच्छा से हो जाए शांति में अच्छा है। वो चैन की नहीं सो रहे हैं और हम आंख खोल के भी डर रहे हैं, है ना, तो इसलिए जल्दी करते हैं। मैं एक बार वैसे बता रहा हूँ ये सब। इसके अलावा ना अगर हम चैंटिंग ना करें, चुपचाप बैठे भी हो ना सुबह सुबह, तो तभी ये विचार हमारे दिमाग में नहीं आएंगे। लेकिन जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं तभी सारी विचार हमारे दिमाग में आते हैं। इससे हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अब वो कौन है जो नहीं चाहता चैंटिंग करें, वो कौन है बताइए जो नहीं चाहता हम चैंटिंग करें, बताइए वो कौन है? ये वो किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, वो कौन चित्रकार है जो ये चाहता नहीं है कि हम चैंटिंग करें, बताइए, है ना। प्रभु जी हमारा मन, हाँ मन जो है माया के प्रभाव में है और वो नहीं चाहते कि हम चैंटिंग करें। तो इस वक्त जिस वक्त हम बैठते हैं अपनी समाधि अवस्था में स्थित होते हैं चैंटिंग करने के लिए, उस वक्त समाधि अवस्था में सारी सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। वो सिद्धियां यही होती हैं कि जो कभी सोचा नहीं, जो कभी सुना नहीं, वो सारे विचार हमारे दिमाग में उसी वक्त टॉपअप होने शुरू होते हैं। अरे उसको भी देख लो, मैसेज भी देख लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, है ना, उसने ये कैसे कह दिया, उसको वो कहना था हमें, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो सारी चीजें ना हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बात थी, इसलिए मतलब ये मैं किस संदर्भ में कह रहा था कि भक्त चैंटिंग फास्ट क्यों करते हैं। तो आपने अलग अलग रीजन बताए और मैंने भी आपको ये बताया कि ये प्रमुख वजह है जिसकी वजह से हम चैंटिंग फास्ट करते हैं, है ना, क्योंकि विचारों में हम डूब जाते हैं। अच्छा एक चीज और है, एक वजह और है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ध्यान से सुनिएगा, ये कभी आपने सुनी नहीं होगी। हम आप सब अपने मन से परेशान है, पहला क्वेश्चन ये, मन दुखी करता है आपको? मन दुखी करता है आपको? सबसे पहली बात तो यही, सबसे बड़ा प्रश्न ही यही है कि भाई मन दुखी करता है, उसमें भी कोई बोल नहीं रहा है, आप बताइए। नहीं करता जी, नहीं करता है। देखिए मतलब की बात है, अभी मैं हॉस्पिटल वाला एग्जांपल दे रहा था ना, जिसमें कीचड़ में नहा के आदमी हॉस्पिटल में आईसीयू में पहुंच गया। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कीचड़ में नहाने का मतलब आदमी बीमार है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि आपका मन जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आप मन की वजह से संसार में फंसे हुए हैं और मन आपको भक्ति नहीं करने देता, और या फिर आप सबसे बड़े बीमार व्यक्ति हैं इस दुनिया के, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ना, तब तक आप उसके उसकी जो दवाई है उसको उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो हम दवाई दे रहे हैं ना उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम बीमार हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, तो अगर हम ये एटलीस्ट डिवोटी को ये पता लग जाता है कि हम बीमार हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि हम बीमार हैं, तो जब हमें ये पता लग गया कि हम बीमार हैं, उसके बाद भी हम चैंटिंग फास्ट क्यों करते हैं और दवाई ढंग से क्यों नहीं लेते? अब क्वेश्चन ये है, तो उसका आंसर ये है कि देखिए हम अपने दवाई लेना चाहते हैं और फटाफट ठीक होना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम अपने दवाई फटाफट लें और फटाफट मन कंट्रोल हो जाए। अब क्या होता है कि हम फटाफट मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए हम फटाफट चैंटिंग करते हैं। क्योंकि अगर हम क्या सोचते हैं कि अगर हम चैंटिंग करते वक्त थोड़ी स्लो चैंटिंग करेंगे तो दूसरे विचार हमारे दिमाग में आ जाएंगे, इसलिए फटाफट करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। मतलब कोई जैसे मैंने कहा ना गिलास आधा खाली होता है, तो उसमें क्या होता है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, कई बार इंजॉयमेंट टेंडेंसी होती है ना, तो जल्दी करो फिर कुछ और इंजॉय करेंगे, ये भी होता है। हाँ कुछ और ही इंजॉय करेंगे, कुछ और ही, वो तो मैंने बताया, वो मैंने पहले बताया एंजॉयमेंट टेंडेंसी के बारे में, ये वो तो मैंने बताया उसके बारे में। उसके बारे में हमने चर्चा करी थी अभी काफी देर से ना, वो चर्चा हो रही थी। तो एंजॉयिंग टेंडेंसी के बारे में,
बात हो रही थी, अभी तो प्रिंसिपल्स के बारे में बात हो रही है, प्रिंसिपल्स नहीं प्रैक्टिस के बारे में। प्रिंसिपल्स में हमने ये बताया था कि हमारी इंजॉइंग टेंडेंसी होती है, इसे कहते हैं, इसको हमने क्या क्या कहा था, किसी को याद है? रिमेम्बरेंस था ना, कौन सी रिमेम्बरेंस हुई आप से कौन बताएगा? जो माता जी ने कहा उसको हम कौन सी रिमेम्बरेंस कहेंगे बताइए? आर्टिफिशियल। हाँ आर्टिफिशियल रिमेम्बरेंस, वंदे माता जी बिल्कुल सही, याद रखिए ना, वो आर्टिफिशियल रिमेम्बरेंस का हिस्सा है। ये प्रिंसिपल्स के बारे में, अभी हम प्रैक्टिस के बारे में, हमें ना कैसे प्रैक्टिस करनी है अच्छी चैंटिंग के लिए, उसके बारे में बात हो रही है। तो जैसे हम जल्दी जल्दी करते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी चीज ना अंदर नहीं घुसनी चाहिए, एकदम फोकस, एकदम जल्दी जल्दी ताबड़ तोड़ चैंटिंग, एकदम बमबारी होनी चाहिए, अंदर घुस नहीं जाना चाहिए हमारे देश के अंदर, फटाफट पूरी गोलियां भरी हो, ज्यादा लड़ और ताबड़ तोड़ साइनिंग चल रही है ना, बिल्कुल उसे कहते हैं मशीन गन चैंटिंग, जो उसके बारे में मैंने बताया था, दबर 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 चैंटिंग चल रही है ना। तो अब हम क्या चाहते हैं, मन को कंट्रोल करना। मन है बच्चे की तरह, बच्चे को स्कूल भेजना है ना। अब बच्चा जो है हमारे मन जो है ना, क्या है, बच्चा है और वो बच्चा भाग रहा है, उसे हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, उसको जंजीरों में बांध दो, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल मतलब कहिए, हम चैंटिंग कर रहे हैं कंट्रोल, मन को कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया कि मन को कंट्रोल करने के लिए चैंटिंग कर रहे हैं, मतलब मन को कंट्रोल ही कर रहे हैं ना। इनफैक्ट आप इसलिए तो जल्दी जल्दी चैंटिंग कर रहे हैं कि भाई कोई इतने में कोई विचार और ना आ जाए, फटाफट 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 एकदम बिल्कुल भगवान को याद करते हुए खटखट खटखट एकदम सारे मंत्रों को सुनते हुए फटाफट चैंटिंग हो रही है ना, मशीन गन चैंटिंग हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ मंत्र खा गए हैं, लेकिन हो रही है फटाफट। मतलब ये प्रमुख वजह इसलिए मैंने ये बताई है ना, तो कोई और विचार अंदर ना आ जाए, फटाफट चैंटिंग भी कंप्लीट हो जाए। तो हम कंट्रोल कर रहे हैं मन को और कंट्रोल करना भी चाहिए। तो कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है बताइए, कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? बहुत एक अलग सी चीज आपको सामने आएगी, कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है प्रभु जी? कंट्रोल करने का मतलब ये होगा कि दूसरी तरह के विचार हमारे मन में ना आए। नहीं, बच्चा है, मतलब बच्चे को मतलब कंट्रोल कर रहे हैं आप, मतलब कंट्रोल करने का मतलब उससे बताइए आप। बच्चा है, वो बाहर जाना चाह रहे हैं और आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? मतलब आप नहीं चाहते कि वो मतलब घर के गेट से बाहर निकले है ना, बाहर बारिश हो रही है जी प्रभु जी, हम उसको समझाएंगे प्यार से। अच्छा, ये कंट्रोल करने का मतलब हो गया, और थप्पड़ मारेंगे प्रभु जी मन को, थप्पड़ मार दिया, ठोक दिया बच्चे को, पीट दिया उसको पकड़ के है ना, बहुत बढ़िया। किसने कही है वैसे? सुप्रिया माता जी। कौन बोला है वैसे थप्पड़ मारने का? सुप्रिया माता जी। हरी हरी बोल, लालच देके भी कंट्रोल कर सकते हैं। लालच देंगे भाई आपको, हम रसगुल्ला देंगे है ना, ठीक है ना, और बताइए। तो रसगुल्ला खा के जाएगा बाहर, वो कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ? मतलब कंट्रोल करने का मतलब समझ में आना जी, सही मतलब, और क्या क्या हुआ कंट्रोल करने का मतलब? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप सब बताइए ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक बार सुंदर गोपाल प्रभु जी का लेक्चर सुन रहे थे हम लोग, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि मन बहुत ही खराब चीज है, इसे जूता मारना चाहिए तभी ये कंट्रोल हो सकता है। तो बच्चों को हम जूता मारेंगे, बच्चा रिवोल्ट कर लेगा, बड़ा होगा ना कहेगा माँ तुमने मेरे को जूता मारे थे ना, विरोध कर देगा, विरोध कहेगा। वो जो है ना, वो जो अच्छा वाला अभी नया नया खुला है ना, वो अनाथ आश्रम, उसमें हम आपको भर्ती करेंगे है ना। और कोई अन्य बात नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे पैसे अच्छा है, ये थोड़ा ह्यूमरस है ना, तो आप बता सकते हैं कोई बाकी, जैसे अभी आप बाकी से पार्टिसिपेट कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ऐसे और भी आपके मन में विचार हो, आपको बच्चा बाहर जाना चाहते, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, अब कैसे करेंगे? कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया? एक ने कहा कि मैं चांटा मार दूंगा, एक ने कहा मैं रसगुल्ले खिला दूंगा है ना, एक ने कहा मैं बांध दूंगा उसको, कंट्रोल करने का अर्थ क्या हो गया? है मिलता जुलता अर्थ, तो कंट्रोल करने का। प्रभु जी उसके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, अपना टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे, लेकिन वो तो जबरदस्ती कर रहा है ना माता जी,
आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहता है, वो तो बाहर जा रहा है, वो तो बाहर जा है ना, तो फिर तो बाहर जाना चाहते है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा जी, माता जी बताइए। प्रभु जी मैं कह रही थी कि ये बच्चे थोड़ा जिज्ञासु होते हैं, तो हाँ। थोड़ा सा ये लगता है कि अगर उनको मतलब ये पूजा पाठ या भक्ति से रिलेटेड कुछ दिखाया सुनाया जाए या फिर कुछ किया जाए, मेरी मेरी बेटी पे मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा वो मतलब डाइवर्ट होती है, थोड़ा मैंने उसको मतलब लगता है कि हाँ कुछ नया मैंने मिला, तो हमको ये लगता है कि हो सकता है ऐसा कुछ हो। हाँ ये कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ सही है, मतलब है ना, ये कुछ सही है, मतलब कुछ थोड़ा सा उसको इंटरेस्टेड लगता है कि थोड़ा नई चीज कुछ मुझे मतलब हाँ, मिली है हाँ, लेकिन मतलब मान लीजिए वो आप नई चीज जानने को मिलेगी, जानने के बाद फिर भाग जाएगी। नहीं प्रभु जी अभी मैं अभी अपने पर्सनली मतलब वो बता रही हूँ, मैं रात को ऐसे ही, मुझे तो बहुत कुछ ये सब नहीं आता है इस्कॉन का सारा मंत्र वगैरह, तो मैं ये जो प्रभुपाद का वो है आरती है, वो मैं रात को भी मतलब उसके साथ बिस्तर पे ऐसे गा रही, तो वो बहुत अच्छे से रिसाइट करती है अब पूरा प्रॉपरली, मतलब एक एक सेंटेंस क्लियर उसको रहता है। हरी, हरी, तो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया मतलब उसकी इसको करने की वजह से पूरा उसको आ गया, और निरुपम माता जी भी आई थी देवरिया में, तो उसके साथ मिलके सब लोग मैंने वो भी गा रही थी, तो कुछ ना कुछ तो बच्चों में थोड़ा सा चेंज तो प्रभु जी आता ही है। ये तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई, कंट्रोल करना नहीं होगा, ये तो सिचुएशन ही अंडर कंट्रोल हो गई ना, ये तो कंट्रोल, अभी तो हम कंट्रोलिंग अंडर प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये तो आफ्टर आफ्टर प्रोसेस वाली है, ऐसा ही कुछ करेंगे, रिजल्ट हो गया, रिजल्ट हम बात करें प्रोसेस की, अभी रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, अभी प्रोसेस की बात हो रही है, आपने एक रिजल्ट लिया है, ये रिजल्ट प्रोसेस में भी प्रभु जी यही हो सकता है कि कुछ इस तरह के मतलब बच्चों को थोड़ा सा वो करने की जरूरत है कि ताकि थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट लगे जी। मैं यही कह सकती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा ना इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल बिल्कुल वैसे ही होता है, हमें बल दिखाना पड़ेगा, कंट्रोल का मतलब अनकंट्रोल में बल दिखाना पड़ेगा, वो बल अलग अलग तरीके से होता है, माता जी उनको किसी और चीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो उसके बाद फिर वो हो सकता है कि उस समय थोड़ी देर फिर रुकते हो फिर चले जाते हो फिर, लेकिन माता जी ने अपने जो माता जी जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, माता जी ने वो प्रोसेस छोड़ा नहीं, और उसके बाद माता जी को एक रिजल्ट पूरी तरह से उनके मतलब एक तरह से वश में हो गया है, अब वो वैसा नहीं करता जैसे कि हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इस वाले केस में जो बच्चा बाहर बारिश में जा रहा था, वो इसमें कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि वो बारिश में गया हम उसे लेके आ गए, अब वो फिर बारिश में गया हम उसे फिर लेके आ गए, अब वो फिर बारिश में गया हम उसे फिर लेके आ गए, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना, मतलब जब स्थिति अंदर आफ्टर मतलब ये कंट्रोल करने, जब कंट्रोलिंग स्थिति को हम किस सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे तो बच्चा नहीं जाएगा बाहर। तो मन क्या होता है, वो उसी तरीके से है, मन जो है ना, हम जब हम ये कहते हैं कि हम अपने मन को साध रहे हैं, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जब हम आराम आराम से चैंटिंग करते हैं तो हम क्या होता है कि हम सही चैंटिंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा मन बच्चे की तरह बाहर भाग रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर भाग गया यानी कि हमारा ध्यान हट गया, हमें पता लग गया कि हमारा ध्यान हट गया, हम ध्यान को वापस चैंटिंग में ले आए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अब वो मन फिर भाग गया, फिर हमें पता लग गया कि हम वो फिर भाग गया, फिर उसे वापस चैंटिंग में ले आए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी प्रभु जी मैं इस ये जो आप अभी पूछ रहे थे कि मतलब लोग लाउडली क्यों चैंटिंग करते हैं तेज तेज, तो प्रभु जी ये भी एक वो हो सकता है कि हो सकता है मन इधर उधर हो रहा हो तो तेज तेज, वो तो मैं बोल ही रहा था माता जी, वो तो मैं बोल ही रहा था, ठीक है ना। अब क्या हो गया, जब हम अभी हम क्या कर रहे हैं, बच्चा बाहर जा रहे हैं, हम उसे खींच के ला रहे हैं, हम देख रहे हैं बच्चा बाहर जा रहे हैं ना, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है जो जल्दी जल्दी चैंटिंग कर रहा है, वो कई वो उसको हम कई चीजें कई कई परिपेक्ष में देख सकते हैं, एक तो वो गला घोट रहा है बच्चे का, तेरी हिम्मत कैसे हुई जाने की,
हिम्मत कैसे होती है जानकी, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम, हिम्मत कैसे हो जानकी, तू ऐसा सोच सकता है हरे कृष्ण खूब घुसंड मारे, खूब पिटाई करी उसकी, उसकी किसी 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 कहीं का नहीं छोड़ा। बच्चे बाद में जाएगा जिम ज्वाइन करेगा, हट्टा कट्टा होगा, डोले वोले बनाएगा, खूब पिटेगा आप, है ना। तो है ना, तो मतलब वो कंट्रोल में स्थिति नहीं हो रही, वह एक्चुअली क्या हो रहा है, कंट्रोल में हो रही, मतलब वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वो कंट्रोल नहीं हो रही, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। एक स्थिति है जो कंट्रोल है, वो गया बेटे आओ चैंटिंग, मतलब चैंटिंग करते हैं, टॉफी मतलब जो माता जी करते हैं ना, कुछ आरती वारती करते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, बच्चा खा पी के चला गया, बेटे आओ कुछ खिलाते हैं, फिर बेटा चला गया, बेटे आओ प्यार से बुलाना है। तो हम चैंटिंग आराम आराम से करते हैं ना, तो हमें जो है परेशान नहीं होना, मतलब वो जाने दो मन को, चला गया तो देख लिया तो उसे बुला लो, ये इसे कहते हैं कंट्रोल्ड चैंटिंग, ध्यान पूर्वक चैंटिंग। और जल्दी जल्दी चैंटिंग होती है वो चैंटिंग एक्चुअली ना वो ध्यान वो कंट्रोल मतलब एक तरह से वो ध्यान अवस्था नहीं होती, वो क्या होता है कि उसके अंदर क्या करते हैं ना हम जो है ना मतलब एक तरह से ना डिस्टर्बिंग अवस्था होती है, वो डिस्टर्ब अवस्था, हमारा ध्यान ध्यान वहां पे है ही नहीं जपा पे, मतलब जो हम जल्दी जल्दी चैंटिंग करते हैं ना, वो हमारा जपा पे ध्यान है ही नहीं, हम बच्चे की जैसे बच्चे की केयर कर ही नहीं रहे, उसको गला ही घोट दिया, उसे पिटाई कर दिया हमने, है ना। तो हिम्मत कैसे हो, तू बार ऐसे सोच क्या सकता है, तो वो वाली अवस्था है, मतलब उसको उसके तरफ ध्यान है ही नहीं, कोई प्यार नहीं है, कोई कोई सेंसिटिविटी नहीं है कि भाई चोट लग रही है कुछ, वो उसकी कुछ की भावनाओं की कदर ही नहीं है हमें, हम बस ताबड़तोड़ तरीके से उस पर प्रहार करे जा रहे हैं। उसी तरीके से हम जब फटाफट चैंटिंग करते हैं तो हम कभी कभी भी हम चैंटिंग के फल को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। और आप कभी भी हम फोकस नहीं कर सकते, यस मत हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी मैं दो मिनट के लिए कुछ बोल लूं। जैसे सुप्रिया माता जी कह रहे थे यहाँ पर कि उसको जूते से मारो, एक्चुअली सुंदर गोपाल प्रभु जी का यहाँ पर ना एक ये सेंस रहा है माता जी कि हमें बार बार ना अपने आप को रिपेंट करना चाहिए, मतलब हमें अपने आप को रियलाइज कराना चाहिए कि मैं यहाँ गलत हूँ, है ना। तो हम जब इस चीज को रियलाइज करते हैं ना तो वो उस सेंस में आता है ना। प्रभु जी अपनी जगह वो बिल्कुल सही थे वहां पर, यहाँ का कॉन्टेक्स्ट और वहां के कॉन्टेक्स्ट में अंतर है माता जी। मैं ये चीज और यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ प्रभु जी, एक बार आप इसे क्लेरिफाई करें। हाँ, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे कि भाई जैसे आपको ना जैसे रात होती है ना तो अपने मन को जूते से मारना चाहिए, सुबह होते हैं तो झाड़ू से मारना चाहिए। तो गुरु महाराज जी भी बताते हैं इस बारे में कि भाई मारने का मतलब क्या होता है, मारने का मतलब यही होता है कि मतलब जैसे आप सुबह उठते हैं तो मन को मारना है, मतलब कि आपका मन नहीं भी चाहता है फिर भी आपको मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है ना, इसको मारना कहते हैं। मारना कोई मतलब इसको ये एक्चुअली मारना होता है ना, कि मतलब आपको मन नहीं चाहता है लेकिन आपको जबरदस्ती आपको उसकी अहमियत का पता है कि अगर मैं सुबह उठ के मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा या करूंगी तो मेरे को क्या फल प्राप्त होगा। उसी प्रकार रात को जब सोने से पहले कि आप जब अपने बारे में सोचेंगे कि आज मैंने कौन सी गलतियां करी हैं, किसी के प्रति मेरी वाणी से किसी का दिल तो नहीं दुखा है, मेरे को आज अच्छी साधना करनी चाहिए थी, मैंने कहाँ आज गलती कर दी, आज मैं अपना साधना स्कोर मैंने नहीं भरा तो मैं उसको भर लूं, इस है ना, मैंने एक रात हो गई है तो मैं 15 मिनट कृष्णा बुक पढ़ लूं या मैं चैंटिंग कर लूं, एक माला करके सोऊं ताकि मेरे सपने में भी भगवान का स्मरण रहे, समृद्धि बनी रहे। तो इसको मारना कहते हैं, है ना। और इसको मारने का मतलब एज इट इज नहीं है कि भाई किसी को पकड़ के ठोक दिया, ठीक है ना। तो ये है इसका मारने का मतलब। तो इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है जी, जैसे एक बार एक भक्त कह रहे थे कि मैं जपा करने बैठा और मैंने झाड़ू अपने पास रख ली। मतलब कई बार ले लेते हैं भक्त इस तरह से, और ये सच में था, और फिर बाद में कहते हैं कि अरे मेरा मन तो इतना रिजिड हो गया कि वो फिर मेरी बात ही नहीं सुना। ये मतलब ये ना ये गधा मेंटेलिटी है। अब मैं आज बच्चों के सामने गधे की बात कर रहा था, गधे की बात, गधे को ना कहा जाता है विशाख नंदन, कितना प्यारा नाम है विशाख नंदन। पता है आपको विशाख नंदन क्यों कहा जाता है गधे को, किसी को पता है गधे को विशाख नंदन? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो क्यों कहा जाता है, इसलिए कहते हैं जब बैसाखी होती है ना तो सब फसल वसल कट जाती है, ग्राउंड खाली हो जाता है ना,
तो गधा जो होता है ना, थोड़ी सी घास कहीं होती है तो वो थोड़ी सी घास खाता है और फिर वो सोचता है कि अरे वाह मैंने तो पूरा ग्राउंड खाली कर दिया, और वो सोच के खुश हो जाता है, मोटा हो जाता है ना, वाह मैं कोई चीज हूँ, आई एम द बेस्ट, मैंने खा लिया पूरे ग्राउंड को, है ना। और जब आषाढ़ भादो आते हैं ना, जब बारिश खूब होती है, जब फूल फल मतलब फसल काफी हो जाती है, मतलब ग्रीनरी होती है, तो उस भरपूर घास होती है, वो खाता रहता है देखता है आसपास, अरे घास ही घास है, तो वो सोचता है मेरी शायद डाइट कम हो गई, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं बीमार चल रहा हूँ आजकल, है ना, तो ये सोच सोच के पतला हो जाता है ना, तो इसलिए उसे कहते हैं तो ये होता है मूर्ख नंबर वन, मतलब विशाखनंदन इसलिए उसका नाम दिया गया। तो उसी प्रकार जो हमारा मन है ना, वो हमें ना मूर्ख बनाता है, गधा बनाता है, माया हमारे हमें इस संसार में गधा बनाती है, मन के थ्रू गधा बनाती है, गधे की तरह हम इस संसार में सड़ते हैं, उल्टे सीधे काम करते हुए, बिना भक्ति करते हुए सड़ते रहते हैं, लेकिन भक्ति कोई नहीं करता। लेकिन भक्ति एक बार अगर व्यक्ति करेगा ना, तो उसको वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। हम क्या चाहते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक करना, भक्ति करने से यूं ठीक हो सकती है, छुटकी बजाते हैं। हम क्या चाहते हैं, सुंदर बनना, भक्ति करके व्यक्ति बहुत सुंदर बन सकता है। प्रभुपाद जी से ज्यादा आकर्षित इस संसार में कोई है व्यक्ति, आप नाम बताइए, कोई नहीं है। प्रभुपाद जी इतने आकर्षित थे, 70 वर्ष की आयु में गोरे चिट्टे अंग्रेज 7-7 फुट के, उनको भी आकर्षित कर दिया प्रभुपाद जी ने। आकर्षित बनना है, भक्ति करिए, है ना। इंटेलिजेंट बनना है, भक्ति करिए। पढ़े लिखे नहीं है कोई बात नहीं, स्कूल नहीं गए, ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं मैंने, पीएचडी फेल है, मतलब पीएचडी वालों को फेल कर दिया, और मतलब 8th या 9th क्लास पास होंगे, पीएचडी वालों को पानी पिला दिया, धूल चटा दी, है ना। भक्ति करो, चुटकी में होगा। किस्मत खराब है, भक्ति करो, चुटकी में किस्मत सही है, आपके देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा, फिर आपको फिर कीचड़ में कमल की तरह बन जाएंगे आप, है ना। तो क्या चाहिए क्या आपको, हमें ये पूछना है, हमें चाहिए क्या, हम तो वो हम हर चीज भगवान की भक्ति दे सकती है, लेकिन हमें ना हर चीज दिखनी चाहिए, नजर में आनी चाहिए, वो नहीं हो सकता। भगवान हमारे नौकर नहीं है कि हमारे सामने हर चीज आके लाके दिखा देंगे कि हम भगवान को किस, हम भगवान हमें सबूत, हमारे हमें गुलाम नहीं है कि हमें हर चीज आके दिखाएं, नमूना दिखाएं। ये तो गुरु की कृपा से जो चीज, अगर हमें विश्वास है तो हमें ये चीजें अनुभव से सब चीजें समझ में आएंगी, और ऐसा अनुभव जो है ना बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, है ना, और वही पेज है, पेज बन गए, है ना। और मैं अपने जीवन में ही बात करूं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मतलब मैं अगर बात करूं तो मैं खुद नहीं समझ आता है मेरे को, भाई मैं उस हिसाब से तो ड्यूटी नहीं करता हूं, लेकिन पता नहीं कैसे सब चीजें होती जाती हैं, मेरे को तो खुद समझ नहीं आता है, आज तक नहीं समझ पाया हूं, है ना। आप भी अगर सीरियसली भक्ति करेंगे तो, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि हम भक्ति इसलिए करेंगे ताकि हमारी ये चीजें पूरी हो, तो फिर ये भक्ति के नाम के बल पर हम पाप करना हो जाएगा, है ना, मतलब नाम के बल पर पाप करना हो जाएगा, मतलब नाम को आप इस्तेमाल कर रहे हो भौतिक चीजों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये चीज बताई इसलिए नहीं जाती क्योंकि लोग भक्ति को चिपली ले लेंगे कि आप, अरे भक्ति करने से ये सब चीजें हो जाती हैं, तो हम ये करते हैं धन आ जाता है, भक्ति करते हैं, भक्ति अपने आप को प्रकट नहीं करती, अगर वो प्रकट करेगी ना तो आप इसे चिपली ले लेंगे, ये चीजें गुप्त रहती हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए हमें अंदर से ये विश्वास होना चाहिए कि भक्ति से हमें सब कुछ मिल सकता है, जो चीजें बाकी सारी चीजें हमें नहीं दे सकती वो सब कुछ भक्ति से मिल सकता है, है ना। ठीक चीज है, तो आज तो कहने का ये मतलब है कि तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है बैठ के चैंटिंग करो, चल के चैंटिंग करो, जैसा नहीं है, लेकिन है ना। चौथा पॉइंट ये है, अच्छा हाँ एक चीज है, सोते हुए अगर हम सो गए तो ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है अगर चैंटिंग करते हुए आप सो रहे हैं, है ना। क्या था वो, ध्यान पूर्वक जब ना करना भी अपराध है। प्रत्येक भक्त जो अपने को वैष्णव समझता है उसे चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच के रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति शीघ्र अधिक शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो वो जब आप सो गए तो ध्यान पूर्वक जब ना करने की चरम अवस्था पे पहुंच गए आप, मतलब आप सो गए हो, अब ध्यान मतलब ध्यान नहीं ना करना तो हो गया कि भाई चलो ध्यान नहीं है, और सो गए यानी कि तो फुल सिद्धि प्राप्त कर ली आपने ध्यान नहीं करने की, है ना, सो गए आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक भगवान को बुला लिया और आप सो गए, तो ये अपराधी हो गया ना, अपराधी हो गया ना, क्लियर लिखा हुआ है ना।
है ना, तो इसलिए स्लीपिंग बिगेस्ट ऑफेंस है वाइल चैंटिंग, तो मत सोइए। तो अगर ज्यादा ही नींद आ रही है तो खड़े हो जाइए, थोड़ा चल लीजिए, बहुत ज्यादा नींद आ रही है छोड़ दीजिए चैंटिंग, सो जाइए पहले आप, है ना। आप देखिए बड़े बड़े जो जितने भी लोग हुए, चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो, किसी ने सोते हुए तपस्या नहीं करी। स्वयंभू मनु जो है वो तो देवता थे, और रावण जो है उसने तपस्या करी, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी, एक मतलब एक टांग पे खड़े होके और दोनों हाथ ऊपर करके, मतलब ऐसी कठोर तपस्या करी। ऐसे थोड़ी है कि यार लेजीनेस में तपस्या होती है। तपो दिव्यम पुत्रा का ये न सत्वम सुधा ये यस्मात ब्रह्म सौख्यम तवन, तपस्या के लिए तप मतलब थोड़ा कष्ट देना शरीर को। उसके बाद है चैंटिंग करते हो कुछ और चीजें मत करिए, जैसे मतलब मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, सारा ध्यान हमारा आने वाले समय में ना क्या है कि ना फोन एक अब आने वाला समय आ चुका है, एक नई नई बीमारियां आ रही है। एक हो रहा है जीमेल सिंड्रोम, इसके ऊपर ना कई बुक्स भी लिखी, इसके ऊपर कई ऑथर इसके ऊपर बुक्स भी लिखी गई है। तो मतलब इसमें बताया गया कि जीमेल सिंड्रोम से क्या होता है, और अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर भी हो रहा है आजकल मोबाइल की वजह से, और वाकई हमारा फोकस हटता जा रहा है मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। इसलिए जब भी आपको चैंटिंग करनी है मोबाइल को दूर रख दीजिए, दूर रख दीजिए। अगर आप जूम पर चैंटिंग कर रहे हैं तो मोबाइल को थोड़ी देर दूर रख दीजिए, वॉइस अब तक कान तक पहुंच जाएगी। और ये जो टैं बीच में हो जाती है ना कि भाई ये मैसेज आप आ रहा है उसको फिर देखते हैं, उस वो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ना डू नॉट डिस्टर्ब वाला, उसको दबा दीजिए, है ना, ताकि आपको ये मोबाइल जो है ना परेशान ना करें। क्योंकि ज्यादातर देखा गया कि अगर भक्त भी हैं, मतलब मान लीजिए वो चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो उनका पर्पस फुलफिल नहीं होता अगर वो बीच बीच में मोबाइल देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम कृष्णा की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। हम आपस में भी बात करते हैं, चैंटिंग करते हैं, मोबाइल पर भी बातें चल रही हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए चैंटिंग करते वक्त, है ना, ठीक है। और ये है कि और सबसे बड़ी बात क्या होगी ना, अगर आप चैंटिंग करते वक्त मतलब आपको आप इतनी सारी चीजों को देखेंगे ना, मतलब मोबाइल भी देख रहे हैं आप किसी से बात, तो आपको ये कभी पता ही नहीं लगेगा कि मैं भगवान के साथ हूँ। मतलब नाम और मतलब भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, ये आपको कभी महसूस ही नहीं होगा। और ये महसूस होना चाहिए धीरे धीरे, वो कभी महसूस नहीं होगा क्योंकि आप कहीं वहां हो ही नहीं, महसूस क्या होगा, है ना। तो अब कोई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं महसूस होगा, भगवान तो सुपर सोल के रूप में हमारे अंदर ही रहते हैं, है ना। सुपर सोल अलग है और होली नेम अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। सुपर सोल तो हमारे अंदर रहते हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करते, वो देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जो होली नेम है ना, उनको तो हम बुलाते हैं। अब किसी को आप बुला रहे हो तो बुला क्यों रहे हो, उसे एस्टेब्लिश करने के लिए रिलेशन। अब उसको बुलाया कि भाई आप मेरे से दोस्ती करोगे, अब उसको हमने बुला लिया, वो इतना दूर से आया व्यक्ति और इतना उसके पास इतना बिजी शेड्यूल है, उसके बाद आप सो रहे हो, तो वो क्या 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 कहेगा कि भाई मैं आगे से आऊंगा ही नहीं, है ना। हमसे वो रिलेशनशिप डेवलप करें, मतलब आचार्य बताते हैं कि होली नेम इज लाइक गर्लफ्रेंड, है ना। तो उस वो क्या चाहता है कि आप एक रिलेशन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, है ना। तो आप इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसे नींद आ रही है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं चैंटिंग में फोकस कर पाऊंगा, तो चैंटिंग करने से पहले ना 5 मिनट आप प्रेयर्स पढ़िए, हमारे आचार्यों की प्रेयर्स हैं उसको आप पढ़िए, उनको उनके मूड को अपने अंदर उतारने का प्रयास करिए कि वो क्या सोचते थे। मतलब जैसे भक्ति विनोद ठाकुर की शरणागति की बुक है, उसको आप पढ़िए कि भाई उनको आपको पता लगेगा कि भाई मतलब भगवान के बारे में जो शुद्ध भक्त है वो क्या सोचते हैं, है ना। एटलीस्ट हम अपने मन से विचार नहीं डेवलप कर सकते, तो हम कम से कम जो उस स्तर पर हैं उनके विचारों को पढ़ के अपनी दिमाग का अपने मन का तो शुद्धिकरण कर सकते हैं। उसके बाद हम उस शुद्ध मन से चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हम व्हाट इज स्टैंडर्ड, है ना। एटलीस्ट आप किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, आप बच्चे हो, लेकिन जिस जो बड़े हैं जो उनके बारे में जानते हैं वो तो उनको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। एटलीस्ट वो जैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं उनको वैसे ही ग्लोरीफाई करो। आपका दिमाग छोटा है, उनका तो बड़ा है, तो उनके शब्दों को ही दोहरा दो, तो तब भी आपकी तरफ से आप ऐसा भी कर दोगे ना तो भी आपको कृपा प्राप्त होगी, आप एक सही मूड में चैंटिंग कर पाओगे। भले ही आप उनके शब्दों को अंदर नहीं उतार पाओगे, रियलाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना करने मात्र से कि उन्होंने क्या भगवान के बारे में कहा है,
और कभी उनके जब शब्दों को आप पढ़ोगे तो ये सोच के मत पढ़ना कि उनके अंदर कोई दोष है। आप देखिएगा जितने भी आचार्य होते हैं ना वो ये कहते हैं कि भाई नहीं, जैसे कृष्णदास कविराज कहते हैं कि अगर कोई मेरा नाम भी ले लेगा तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, या भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भाई मैं तो मतलब मैंने सारा जीवन अपना व्यर्थ कर दिया। वो उस लेवल पे है कि वो ऐसा कह सकते हैं, वो उनका एक्सट्रीम लव है भगवान के प्रति, मतलब भगवान उनके सामने ही है। और मतलब एक जब कोई वस्तु जिसको आप चाहते हो वो आपके सामने ही है, उस प्रेम को उसके साथ अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए आप जो है ऐसे भाव लेके आ रहे हो कि भाई मेरे मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप मतलब मैं तो इस लायक ही नहीं था, मेरे सामने क्यों आ गए, अपनी गलतियां गिनवाते हैं। वो एक अलग लेवल होता है, वो वस्तु मिल गई है उन्हें और वो उसके सामने ये कह रहे हैं जस्ट अपने भाव को रस को और बढ़ाने के लिए, है ना। और हम किसी भी स्तर पे नहीं है और हम उनके बारे में देखकर ऐसा कहेंगे अरे वो ऐसा कह रहे हैं और वो ऐसा कह रहे हैं, तो हम तो किसी भी स्तर पे नहीं है, हम तो नाली के मतलब एक तरह से कीड़े से भी गए भी थे, और हम ऐसे उनके बारे में अगर ऐसा सोच के सोचने लगेंगे ना उन्होंने ऐसे कह दिया तो ये तो कैसे, ये तो कोई कुछ नहीं है, तो हमारा पतन हो जाएगा। तो जब भी हम उनको पढ़ रहे हैं तो हमें इस भाव से पढ़ना है अच्छा वैष्णव सॉन्ग्स को कि उनका स्तर बहुत ऊपर है और वो सारी चीजें जो उन्होंने बोली हैं हम वो हमारे ऊपर लागू होती हैं और हम उससे भी कहीं कई गुना नीचे हैं। तो ऐसा सोच के ये प्रेयर करके वो हमारी व्यथाओं को अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं एक तरह से, वो समझे उनका रैलम अलग है, उनका क्लास अलग है, हमारी क्लास अलग है। तो हमारी क्लास के हिसाब से हमें ये सोचना चाहिए हम कितने निखिद हैं, उनके वाक्यों को हमें अपने ऊपर लेना चाहिए और फिर उसके बाद चैंटिंग शुरू करनी चाहिए। तो क्या होगा कि जब उसके बाद आप चैंटिंग करेंगे तो पहली स्टेज आएगी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो पहली स्टेज आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। दूसरी स्टेज आएगी तब आप भगवान से कहोगे कि भगवान आपके नाम और आप में अंतर नहीं है तो आप प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तीसरी स्टेज आएगी कि आप ग्लोरिफिकेशन होगा, आपके मुंह से निकलेगा ग्लोरिफिकेशन भगवान के बारे में, भगवान आपको बुद्धि देंगे, जैसे भगवान ने शंख रखा था सिर पे टच कराया था ना उनके क्या नाम है ध्रुव महाराज के, उन्होंने भगवान को ग्लोरीफाई किया था, तो ये भगवान की तरफ से आपको आपके लिए गिफ्ट होगा, स्पेशल गिफ्ट जो आपको भगवान देंगे जब आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे। उस गिफ्ट जब तक आपको नहीं मिल जाता तब तक आपको साधना भक्ति में लगे रहना पड़ेगा, है ना। और प्रभुपाद जी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में खुद कहते हैं कि चैंटिंग इज द बेस्ट प्रेयर एंड बेस्ट ग्लोरिफिकेशन। प्रभुपाद जी कहते हैं चैंटिंग इज द बेस्ट प्रेयर एंड बेस्ट ग्लोरिफिकेशन। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो चैंटिंग ध्यान पूर्वक करो, यही बेस्ट प्रेयर है, यही बेस्ट ग्लोरिफिकेशन है। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते जो मैंने अभी आपको कहा, चैंटिंग को अगर आपको सीखना है तो चैंटिंग करके ही सीख पाओगे। अगर आप चैंट करोगे तो आप चैंटर बन जाओगे, है ना, और अगर आप ड्रिंक करोगे तो ड्रिंकर बन जाओगे, है ना। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हो, है ना। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चैंटिंग। क्यों इम्पोर्टेंट है, बाकी सर्विस से वो मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी सर्विस अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके पीछे का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, है ना। और कुछ स्पेशल केसेस में किसी को कुछ स्पेशल सर्विसेज मिलती हैं तो हमें रिवॉल्ट नहीं करना चाहिए, हमने तो क्लास में ये सुना था चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें आप ये सर्विस दे रहे हो तो अब तो हम चैंटिंग छोड़ नहीं सकता, है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं सिर्फ चैंटिंग ही करूंगा, मैं साधना भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें रिवॉल्ट नहीं करना। अगर ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप चैंटिंग करो 192 वाला, और किसी को तो नहीं दिया था, हरिदास ठाकुर को दिया था, है ना। तो कुछ स्पेशल और गुरु जानते हैं कि चैंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और वो कभी ये नहीं कहेंगे चैंटिंग छोड़ दो, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में अगर कोई स्पेशल सेवा आती है तो उसको प्रायोरिटी दी जा सकती है, है ना। और बस ये लास्ट में यही है कि अब एक चीज और होती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये लास्ट में कहके मैं बंद करूंगा, अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, एक व्यक्ति है जो चैंटिंग कर रहा है और वो चैंटिंग में उसका पूरा मन लग रहा है और सारे प्रिंसिपल्स को वो फॉलो कर रहा है जो होने चाहिए और वो चैंटिंग कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो चैंटिंग भी कर रहा है और सेवा भी कर रहा है ना,
कौन किसकी एडवांसमेंट जल्दी होगी ये बताइए। आपने हैंड रेज कर रखा है। यस मैथ्री, यस मैथ्री, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। प्रभु जी मुझे तो आईडीसी कोर्स के बारे में बताना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बताइए। वो आप बताइए कि चैंटिंग अगर कोई कर रहा है, सिर्फ चैंटिंग कर रहा है, उसको पूरा मन लग रहा है, उसको वो सारी चीजें लागू कर रहा है जो अभी आपको आपको बताइए। और एक भक्त है जो चैंटिंग भी चैंटिंग कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, किसकी एडवांसमेंट ज्यादा जल्दी होगी बताइए, जल्दी बताइए। मैं यही कह के हम इसको विराम देंगे। प्लीज ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ बताना चाहेगा प्रभु जी? जो सारी चीजें लागू कर रहा है। अच्छा, मतलब जो सेवा अगर वो नहीं भी करे तो, और सब सारी चीजें लागू करता है, वो चैंटिंग कर रहा है, तो उसकी एडवांसमेंट जल्दी तेज होगी, है ना? जी जी ओके। और कोई, और कोई किसी अदर एनी अदर ओपिनियन, कुछ और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ये आप ही के लिए, आप कुछ बोलिए अगर आप सुन पा रहे हैं, एटलीस्ट सुन पा रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे तो बात अलग है। प्रभु जी जो चैंटिंग करता है केवल। ठीक है ओके, तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं आपको थोड़ा कंक्लूजन बता देता हूँ कि देखिए, जो सिर्फ चैंटिंग करता है और सेवा नहीं करता है, तो वो है लाइक योगी। योगी क्या करते हैं? योगी कुछ नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं और अपने आप अपनी अपनी साधना करते हैं, जो भी उनका मंत्र होता है उसको जप करते हैं या ध्यान लगाते हैं, है ना, और वो कुछ नहीं करते, है ना। तो जब व्यक्ति कुछ नहीं करता और सिर्फ एक ही चीज को करता है ना, तो उससे जो क्या होता है ना, हृदय कठोर होता है उससे ना, उससे क्या होता है, उसका जो एटीट्यूड है वो डेवलप नहीं होता है। उसका जो एटीट्यूड होता है ना, उसके अंदर जो सेंटीमेंट्स होते हैं ना, वो डेवलप नहीं होते। वो हो गए, ये हो गई योगी मेंटेलिटी कि मैं एक जगह बैठूंगा, चैंटिंग करूंगा, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को बहुत रस आ रहा है और मैं बहुत आनंद हूँ। एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, मिनियल सेवा, छोटी सेवा कर रहा है। उस मिनियल सेवा से क्या होगा, उसका जो होगा ना, उसके अंदर सटल सेंटीमेंट्स डेवलप होंगे, और जब वो व्यक्ति चैंटिंग करेगा तो वो उन 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 इमोशंस के साथ, उन सेंटीमेंट्स के साथ जब वो चैंटिंग करेगा ना, तो उसकी प्रोग्रेस ज्यादा तेज होगी, बजाय उस व्यक्ति के जो सिर्फ चैंटिंग कर रहा है। तो इसलिए दोनों चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मीनियल सेवा कर रहा है और साथ में चैंटिंग कर रहा है, तो उसकी प्रोग्रेस जो होगी बहुत तेज होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो भगवान की हेल्प कर रहा है एक तरह से। वो भगवान के ऊपर, मतलब भगवान का बोझ नहीं है, मतलब, और एक व्यक्ति है जो सिर्फ चैंटिंग कर रहा है, वो एक तरह से मतलब इतने मतलब बोझा है, मतलब भगवान, मतलब देखो तो आप, मतलब एक तरह से मतलब भगवान को मजबूरी में उठाना पड़ेगा, भगवान के लिए कर ही क्या सकता है वो क्या मतलब चैंटिंग कर रहा है ना, भगवान को याद कर रहा है, मम्मी 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 मम्मी, तो मम्मी तो उठाएंगी उसे जब वो इतना मम्मी मम्मी कर रहा है, लेकिन वो मम्मी के लिए क्या करेगा बड़े होके? फिर मम्मी 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 कहने से मम्मी को सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलेगा। और एक बच्चा वो है कि मम्मी मम्मी भी कर रहा है और साथ में मम्मी के बाकी बच्चों की भी हेल्प कर रहा है, और मम्मी बड़ी खुश होंगी कि भाई चलो मेरे को इतने काम करने होते हैं, कम से कम इसने मेरा थोड़ा काम हल्का कर दिया और बच्चों की भी हेल्प कर दी, समझे आप? इसे कहते हैं फाइन सेंटीमेंट। और इसलिए मीनियल सेवा करता है और फिर चैंटिंग करता है, उसके एडवांसमेंट जल्दी तेज होता है। हरे कृष्ण। तो मैं यहीं पे कह के विराम देता हूँ, बाकी रूपेश्वरी माता जी आगे बताएंगे। इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा और ये लेक्चर हम शेयर कर देंगे, ठीक है? माता जी आप शुरू करिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को।